गुड टू सी यू भाई आफ्टर सो लॉन्ग सर। और मैं आपको बता दूं, ये अभी जो है आप और हम बात करेंगे थोड़ी देर, फिर बहुत से सवाल हैं ऑडियंस के, अभी बाकी सबके माइक्स ऑफ हैं। फाइनली यस यस वेरी गुड, लेट अस बिगिन गाइस। जिनको अभी आप देख रहे हैं उनका नाम है जतिन सरना और हम लोग दिल्ली, हम दोनों ही दिल्ली से हैं। आप आई थिंक आप अभी बॉम्बे में कि दिल्ली में है इस समय? मैं बॉम्बे में हूँ भाई, बॉम्बे में। हम दोनों बॉम्बे में है, दिल्ली थिएटर से हम दोनों का पुराना रिश्ता है और जतिन सरना की कहानियां मेरे पास बहुत सारी हैं, मैं देखता हूँ कि मैं कितनी सुना पाऊंगा। आपके पास वो कहानियां हैं जो जो आपने देखी हैं टेलीविजन या ओटीटी या डिजिटल के स्क्रीन पर, हमारे पास वो कहानियां हैं जो हमने आंखों के सामने देखी हैं, वो मैं शेयर करूंगा। जतिन सरना वो नाम है, इनफैक्ट दिल्ली थिएटर ने इंडियन सिनेमा को और अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे अच्छे कलाकार पिछले 50 साल में दिए हैं, उसमें आई थिंक जो आखिरी नाम अभी तक जुड़ा है वो जतिन सरना है। इनके बाद अभी तो कोई दिल्ली थिएटर से वहां नहीं पहुंचा जहां जतिन सरना पहुंचे हैं और इस बात के हमको बहुत गर्व है, बहुत बहुत हम लोग इस पे फक्र करते हैं। और हमने उस जतिन भाई आपका एक नाटक होता था टीम की तलवार, टीम की तलवार, जी जी जी, वो नाटक 2010 10 या 11 का नाटक है वो। तो ऑडियंस मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रियंका शर्मा के सेशन में भी हमने डिस्कशन किया था कि जो बात फलती है कि महेंद्र मेवाती के बाद ऐसे एक्टर बहुत कम हुए हैं दिल्ली थिएटर में जो एक्टर को देखने लोग जा रहे हैं कि भाई उसका उसका एक्टिंग देखने चलते हैं, बड़ा एक्टर है। तो हमने पार्क में बैठे थे तो किसी ने बताया कि रेपर्टरी में एक एक्टर है जतिन सरना, उसका नाटक है टीम की तलवार, वो आप जरूर देखने जाइए। तो मैं अपनी पूरी टीम को लेकर गया था, जतिन भाई हमने आपका नाटक देखा था और बहुत मजा आया था वो नाटक देख के। उस टाइम आप रेपर्टरी में हुआ करते थे, उसके बाद फिर आपने विकास भाई के साथ बहुत नाटक किए। 2013 की बात मैं आपको बताऊं साथियों, जो रंग फेस्टिवल आप देख रहे हैं 2013 में, उसका एक कम्पेटिटिव इवेंट हुआ था जिसमें हमने पहली बार थिएटर के अवार्ड्स करवाए थे, तो उसमें इसका एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बार देखिए और मुझे बताइएगा कि आपको उस वीडियो की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, सुनिए। ये स्पीकर जो आपके आसपास हो गया? हाँ सर, किया तो हुआ है मैंने, तो अभी थोड़ी सब कुछ किया हुआ है पर ये टेस्ट भी किया था। आई हैव नो आईडिया व्हाई इज दिस नॉट हैपनिंग, जस्ट अ सेकंड। अच्छा I have no idea ये क्या हो रहा है, I'm sorry guys, मैंने आपको कोई बात नहीं, कोई बात क्या हुआ था ये, I think अभी restart करूंगा तो ये हो जाएगा। तो मैं आपको बता, कोई बात नहीं, कि ये 2013 में अवार्ड फंक्शन किया गया था जिसमें जतिन सरना जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, उसी का मैं आपको वीडियो दिखाने वाला था पर आई थिंक अभी टेक्नोलॉजी हमारा साथ नहीं दे रही है, सम प्रॉब्लम है बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग इट, इसलिए नहीं हो रहा है। तो इनकी स्पीच थी जतिन सरना की कि माँ आज तेरा बेटा एक्टर बन गया ये, और इस स्पीच पे बहुत तालियां पड़ी थी, बहुत तालियां पड़ी थी और ये काली कमीज में आए थे, उन्होंने ऐसे अवार्ड लेके दिखाया था। शायद उसका फोटो मेरे पास हो, जस्ट वन मोर सेकेंड, शायद उसका फोटो मेरे पास हो, कल मैंने फोटो दिखाया था, विकास भाई का फोटो मैंने दिखाया था पूरी टीम को, शायद वो फोटो मेरे पास हो। यस, दिख रहा है आपको? आपने ओपन, यस यस, अरे वाह। तो ये वो फोटो है जो जो जतिन सरना को आज से 7 साल पहले अवार्ड मिला था उस इवेंट में, और उस समय का ये फोटो है। तो वहां से लेके काफी बहुत समय बीत गया जतिन भाई, और बहुत काम किया, उस काम के बारे में बहुत से सवाल है लोगों के आपके लिए। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले वही शुरुआत करता हूँ कि जो बहुत लोग देख रहे हैं, उनमें से काफी लोग मंडी हाउस से बिलोंग करते हैं, थिएटर देख करते हैं और एस्पायर करते हैं, तो सब उस जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसे मंडी हाउस के उस दरख्त के नीचे बैठ के शुरुआत हुई, जो जर्नी जो आज यहाँ तक पहुंची है उसके बारे में आप बताइए और क्या हम लोग सीख सकते हैं। मैं जहां तक मेरा सवाल है अतुल भाई, जर्नी मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम ही थी जैसी कि एक नए युवक या किसी भी हम में से आप में से जितने भी हम लोग अपनी चीजों को पाने गए हैं, वो सबकी जर्नी वही होती है। एक बागी लड़का होता है जो रूढ़िवादी चीजों को तोड़ के या पारिवारिक जो बंधन है उनको तोड़कर कुछ अपना मकाम हासिल करना चाहता है, अपनी चीजें पाना चाहता है। और मेरे बड़े 2-3 स्ट्रॉन्ग रीजन थे जिनके कारण मैं इस लाइन में आया या मुझे लगा कि मुझे अभिनेता ही बनना है। उसमें जो सबसे पहले था वो ये था कि क्रिकेटर बनना चाहता था, वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं और उस वक्त आईपीएल होते नहीं था। Right. तो मुझे एहसास हो गया था क्रिकेट मैं इसलिए नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि मुझे हार बर्दाश्त नहीं है।
और गेम में हार जीत होगी होगी होती है। तो मुझे डिसाइड हो गया था कि मैं हारूंगा और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैंने वो जाने दिया मामला। और उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि अब मुझे कुछ ऐसा तो जरूर करना है जो मुझे लाइमलाइट में लाके खड़ा करे, जब मैं आऊं तो भीड़ हो, लोग आगे पीछे हो। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि पिता को जब से मैंने ऑब्जर्व किया, देखा, समझा, उनको मैंने कर्जे में देखा, परिवार को छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते हुए, माँ को छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते हुए देखा, अपने लिए नहीं बच्चों के लिए, और हर त्योहार पर अपनी माँ की आंखों में और खुद की आंखों में आंसू ही देखे, चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये जब सारी चीजें थी ना, उसने मुझे हमेशा से ही क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था कि व्हाट नेक्स्ट, तुझे करना क्या है। और मैंने फैसला कर लिया था कि मेरे दादा ने चूंकि स्ट्रगल किया था पाकिस्तान से आके, अच्छा, पिताजी ने किया क्योंकि पिताजी ने उनका काम छोड़ दिया, दादाजी जो करते थे, फिर दादा पापा की दुकान पे बैठने लगा, तो मुझे लगा कि जब ये नहीं बैठे अपने बाप के साथ तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ। मैंने कहा सर आई जस्ट वॉन्ट टू क्विट द जॉब एंड आई एम लीविंग। सो माय फादर सेड ठीक है, जो तुम्हें करना है तुम करो। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैंने इस तरह से डिसाइड किया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। ये मैंने अपनी बात रखी उनके आगे, तो जैसे होता है वो हंसी आनी लाजमी थी कि ना शक्ल है ना सूरत है ना कद है ना काठी है। ये वो दौर था जब अक्षय कुमार सरीके, सुनील शेट्टी, बड़े बड़े 6-6 फिट के एक्टर्स थे बॉडी वाले जब आ रहे थे, तो उस वक्त की बात है, 2004-5 की बात है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये कुछ भी होता होगा मैं अपना कर्म नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा और मैं अपनी कोशिश करूंगा, मैं वहां पे हार जाऊं तो बात अलग। तो बस उसी जज्बे के साथ मैं श्रीराम सेंटर में कदम रखा। हालांकि बड़ी दुखद बात है, परसों ही इरफान खान साहब का निधन हुआ है। और मेरे जिंदगी में भी जब मैं सबसे पहले मंडी हाउस गया था तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गया था, तो मुझे आज भी याद है इरफान खान साहब, रॉबिन दास और एनके शर्मा जी तीनों खड़े हुए थे। और उस दौरान 2005 की बात है, और उस दौरान 2005-6 की बात है, उस दौरान इरफान साहब उन्हें रोग फिल्म की स्टोरी सुना रहे थे एनके शर्मा सर को। अच्छा। और मैं दूर से खड़ा होकर एक बिल्कुल उसी तरह नए लड़के की तरह देख रहा था, जिसको चाहती कि ये बहुत बड़ा सितारा है जो इस वक्त चमक रहा है बॉलीवुड के पटल पे, और ये कुछ बड़े दिग्गज लग रहे हैं। तो एक क्यूरियस चाइल्ड की तरह मैं उनके पास गया, और मैं उस दौरान एक कहानी लिख रहा था, इत्तफाकों की झड़ी देखी आप, उस जो कहानी लिख रहा था वो बंटी चोर के ऊपर एक कहानी थी, दिल्ली में बहुत बड़ा चोर हुआ था, बंटी चोर जिस पे फिल्म बनी थी, वही लकी लकी। उसकी कहानी क्योंकि अखबारों में बहुत आया था, तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था, तो मैं अखबार से कहानी मैंने उसकी लिखनी शुरू कर दी थी अपने हिसाब से। तो वो कहानी जितनी मैंने लिखी थी, मैंने जाकर के इरफान खान साहब को पहले सलाम किया, इनके सर को, सबको प्रणाम किया, और मैंने बोला सर मैं आपकी बातें सुन रहा था और आपने कहानी सुनाई, मैं भी ये कहानी सुनाना चाहता हूँ। और उस वक्त मेरी किस्मत अच्छी थी, ना इरफान साहब ने कुछ बोला ना ही एनके शर्मा सर ने बोला, नहीं तो हमें पता है एनके शर्मा सर कैसे डांट के भगा देते, अपने प्राइवेट स्पेस में एंटर नहीं करने देते पंडित जी। लेकिन पंडित जी ने बिल्कुल मुझे सुना और बोला ठीक बता बेटा क्या है तेरे पास। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई जितनी लिखी थी वो सुना दी, और फिर उनसे पूछा कि मैं जो है एडमिशन लेना चाहता हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। उन्होंने मुझसे कहा बेटा यहाँ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम ग्रेजुएट नहीं हो, तुम श्रीराम सेंटर चले जाओ, वहां पे ग्रेजुएशन होती है, अंडर ग्रेजुएट लिए जाते हैं, वहां जाकर तुम शुरू कर दो। और बस वो दिन था, उसके बाद मैंने जाकर के श्रीराम सेंटर में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और मेरा एडमिशन हो गया। श्रीराम सेंटर बहुत बड़ा हिस्सा रहा है आपकी लाइफ का और करियर का ना, श्रीराम सेंटर, दैट सर्कल, दैट होल स्पेस। मुझे लगता है श्रीराम सेंटर का जो नीचे आपने बेसमेंट तो देखी है, आपको पता है जो बंद हो गई जो बाहर, तो मैंने उसको हमेशा माँ का गर्भ माना है। वो मेरे लिए श्रीराम सेंटर का वो जो तलछट था, वो जो रसातल था, वो जो गर्भ था, वो मेरे लिए हमेशा ये रहा है कि उस पेट के अंदर मैं पला हूँ, मेरा जन्म हुआ उस पेट के अंदर। यहाँ पे एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, आपको इंटरप्ट करूं, ऑडियंस ये बात ध्यान से सुनिए, जो जतिन
बात बोल रहे हैं, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, कैसे मैं इसको साबित कर सकता हूँ कि मेरी आदत है कि दिवाली पे लक्ष्मी पूजन होने के बाद मैं अपनी, पहले तो अब गाड़ी नहीं थी, चार पहियों का स्कूटर था मेरे पास, वो स्कूटर लेके मैं श्रीराम सेंटर और कमानी जाके दिवाली के दिन मोमबत्ती जला के आता था। तो मैं गया श्रीराम सेंटर पे, पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा है मोमबत्ती जला रहा है अकेला। मैंने कहा अरे भाई जतिन भाई क्या कर रहे हो? कह रहे अपने घर आया हूँ मोमबत्ती लाने। मैंने कहा घर जाओ दिवाली मनाओ, यहाँ अकेले बैठे हो दिवाली के एंड दिन। कह रहे यही मेरा घर है। तो ये माँ का गर्व सिर्फ कह नहीं रहे हैं, उसको माना है, उसको साबित किया है। जी जतिन भाई, हैट्स ऑफ टू यू एंड कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो उसमें रहा, और जब मौका मिला था बड़ी मुश्किल से मिला था, क्योंकि मैं अपना जो मोनोलॉग मुझे उन्होंने दिया था तैयार करने को, वो मैं भूल गया था दूसरी लाइन में। और मैं ऐसा हो गया था कि अरे यार अब तो मेरा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। मगर इत्तफाक ऐसा रहा, किस्मत ऐसी अच्छी रही कि मैंने कुछ और किया और उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। और मैं वहां रहने लगा, वहां पे करने लगा, तैयारी करने लगा। और मुझको ये क्लियर हो गया था यही 2 साल है मेरे पास, अगर मैंने इसमें नहीं कुछ किया तो मैं फिर मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाऊंगा कभी भी। वो जो वादे मैंने खुद से करे हैं, अपने परिवार से करे हैं, या अपने माता पिता को जो मैं सोचता हूँ मैं करना चाहता हूँ देना चाहता हूँ, अगर वो इस 2 सालों में मैंने मेहनत करी नहीं तो खत्म हो जाएगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बहुत अच्छे टीचर्स रहे, अच्छे दोस्त रहे, और मेरा ध्यान भटका नहीं। उसमें मेरे गुरु टीचर मुश्ताक जी का बड़ा हाथ था, उन्होंने मुझे कभी भटकने नहीं दिया। वो निरंतर मुझ पर नजर रखते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ उठ बैठ रहा हूँ, कब आता हूँ कब जाता हूँ। मैंने अपना सब कुछ झोंका, मैंने दिया, मैंने सीखने की लालसा रखी, लालच था मेरे अंदर पूरा वो था कि मुझे सब कुछ निचोड़ लेना है इन 2 सालों में। उस लालच से मैं जाता था, उस विश्वास के साथ जाता रहा, और मैंने नीचे सीखा। फिर मुझे 3 साल और मिल गए, रेपेटरी कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई। और तब मैं दामाद हो गया था, पहले मैं बेटा था फिर मैं दामाद हो गया था, क्योंकि वो नौकरी मुझे मिल गई, वो लोग मुझे तनख्वाह देने लगे। और तब तक क्या होता ना, आप अंदर होते हो तो आप बादशाहत महसूस करते हो, क्योंकि रेपेटरी कंपनी का बड़ा नाम है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और श्राम सेंटर, वो बड़ा नाम है। तो बिल्कुल प्राउड मोमेंट था, लेकिन अपना काम हमेशा वैसे ही करना चाहा, पूरी ईमानदारी के साथ, सीखते रहने की इच्छा के साथ और करते रहने की इच्छा के साथ। तो फिर वहां से उठ के जब पहला ब्रेक उसको मिला और उसके बाद लगातार काम मिला, अभी लेटेस्ट हमने बमफाड़ देखी, और वो जो लास्ट सीन में कन्विक्शन दिखा दिया कि सच में मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। क्या आहूजा नाम था लड़की का? आहूजा कि हाँ, कि जो वालिया वालिया, 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 वालिया कि जो काम किया गलत किया, पर वो आंखों में मोहब्बत दिख गई कि मोहब्बत सच्ची थी, काम चाहे गलत हो। और वो कन्विक्शन एक एक्टर ही दिखा सकता है जो सीखा हुआ एक्टर हो। तो काफी लोगों ने पूछा है कि थिएटर या खासकर दिल्ली और मंडी हाउस के जो एक्टर्स जाते हैं, उनकी एक खास इंप्रेशन और इमेज लोगों के मन में होती है बॉलीवुड की और जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो क्या, वो कोई स्ट्रगल था क्या कि भाई ये तो मंडी हाउस का एक्टर है, ये तो लाउड होगा, ये तो एक्सप्रेशन लाउड करेगा, ये तो कैमरा में टिक ही नहीं पाएगा, वो स्ट्रगल कभी रहा या आराम से हो गया? मैंने ना अतुल भाई, पता नहीं कितने लोग जानते हैं, बड़ी कमाल की बात है, जो मेरे को ऐसा लगता है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने ना बहुत अपना टाइम दे दिया था, 2 साल पूरे दिए श्रीराम सेंटर को। तो 2 साल दिए, रेपेटरी के कुछ महीने हुए ही थे अभी 2009 में। तो कोई भी किस्मत कैसे आपका साथ देती है उस पे आ रहा हूं मैं, और पहले ब्रेक पे आ रहा हूं। आपका मेहनत करते रहना विदाउट एनी यू नो के रिजल्ट, जो बोलते हैं कि रिजल्ट क्या मिलेगा कब मिलेगा, उसको सोचे बिना मैंने काम करना शुरू कर दिया था। वो गीता के उपदेश से मैं वाकिफ हो गया था, मैंने छोड़ दिया सब कुछ, मैंने कहा मैं झोंक दूंगा। तो हुआ ये, किस्मत अच्छी थी कि बहुत जल्दी मुझे ना टीवी सीरियल एक मिल गया पहला, 2009 में जब मैं रेपेट्री में था। अच्छा। तो उसमें मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये जो टीवी सीरियल डीडी नेशनल का मैं करने जा रहा हूँ, अजय बाबा उसमें उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया था, उमेश बिष्ट डायरेक्टर थे, तो वो जो मुझे मौका मिल गया था ना, तो मैं बहुत जल्दी कैमरे के सामने आ गया था। और टीवी सीरियल जब आप शूट करते हैं ना, तो आप बहुत अच्छी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जान जाते हैं, बहुत पक्के हो जाते हैं। तो थिएटर का मेरा डिसिप्लिन और बैकग्राउंड था, टीवी सीरियल मैंने शूट कर लिया था, फिल्म मीडिया के लिहाज से मैं बड़ा पक्का हो चुका था चीजों को लेकर कुछ कुछ।
तो जब मैंने अपनी पहली फिल्म भी करी तो मैं रेडी था, तो मैं समझ गया था कैमरे के सामने कैसे अडॉप्ट करना है. और फिर हमारे सामने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल थे, इरफान खान साहब थे, मनोज वाजपेयी थे, नसीर साहब थे, ओमपुरी जो मेरे फेवरेट हैं वो सब थे, पंकज कपूर साहब थे, क्योंकि थिएटर में तो हम इनको अपना आइडल मानते हैं. तो मैं देख के मैंने समझ लिया था कि मुझे नेचुरल कैसे रहना है, मुझे कैरेक्टर को कैसे बिहेव करना है, रादर देन दिस के, क्योंकि थिएटर में भी जब मैंने काम किया तो बहुत लाउड कभी करने की कोशिश नहीं करी उसे, अनटिल एंड अनलेस विधा ऐसी हो तो किया. तो मुश्किलात नहीं आई, मुश्किलात नहीं आई जब मैं बॉम्बे आया और ऑडिशन देने शुरू किए. हाँ, ये जरूर होता था कि आपका पहला प्रिंट वही पड़ता है, इंप्रेशन वही पड़ता है, लेकिन अब चीजें बदल गई. अब थिएटर वालों को बहुत इज्जत से देखा गया, लेकिन अब मेरे लिए, मेरे को एक अफसोस ये होता है कि अब उस तरह से तैयार नहीं हो रहे हैं बच्चे, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं. ये जो यंगस्टर है वो उस तरह से तैयारी नहीं कर रहे हैं. तो हाँ, वो था उनके जहन में, लेकिन उसको तोड़ना मेरे हाथ में था कि मैं थिएटर करके आऊं, लेकिन मैं, आप जैसा अभिनय चाहते हो मैं वैसा कर दूंगा, मुझे उसमें कोई वो नहीं है. तो इनिशियली हुआ था कुछ कुछ, लेकिन मैंने बहुत सारा इनिशियल काम ना अपना दिल्ली में रहकर ही करा, तो इसलिए मुझे ज्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा इस. तो आप मानते हैं कि जो थिएटर में जो साल दिए वो जरूरी थे, जो थिएटर किया इतने साल वो जरूरी थे? मैं कह रहा हूं कि इस मेरे सौभाग्य की सीमा नहीं है. अगर मुझे वो वक्त नहीं मिला होता, मैं जल्दी अपने बाकी बैचमेट्स की तरह चला गया होता, तो मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया होता. ये बहुत जरूरी बात है, सबको सुननी चाहिए. मैंने दो साल कोर्स करने के बाद 3-3.5 साल श्रीराम सेंटर को दिया, और आप तो बड़े, बहुत बड़े उदाहरण हो मेरी जिंदगी में. हमने तो सामने साथ में काम किया है, हमने तो देखा है. मैं और देखने वालों को भी बता दूं तो अतुल सत्य कौशिक जैसे आदमी ने, जिसकी दृढ़ता, जिसकी शक्ति और जिसकी सोच के आगे हम लोग तो बड़े फीके पड़ जाते हैं. अरे नहीं, मैं और विकास हम लोग कर रहे थे नाटक, और अतुल सत्य कौशिक ने मौका दिया नाटक को स्टेज कराने का, और इन्होंने ग्रुप बना लिया. वहीं से हौसला हमें आया कि हम भी ग्रुप बनाएंगे, और आपकी और विकास की काफी बात और चर्चा चलती रहती थी, काफी साथ में काम किया. तो ये जो शक्ति थी ना, ये जो सपोर्ट सिस्टम था एक दूसरे का, इसने हमेशा ही वो दिया, हेल्प किया कि भैया नहीं, सीखना है और सीखना है और सीखना है. तो इसलिए थिएटर लगातार करता रहा, मन लगा रहा. विकास ने वो मोर्चा संभाला हुआ था, क्योंकि उसका मन नहीं था बॉम्बे आने का, तो वो वहां संभालता रहा. तो इसी लालच और इसी बहाने से मैं भी दिल्ली आना जाना थिएटर करने में लगा रहा. और मैं, सच बात है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो थिएटर का दीवाना है वो उससे पीछा कभी नहीं छोड़ा पाता, और छूटना भी नहीं चाहिए. आपको थिएटर करते रहना चाहिए, चाहे साल में 4 बार ही करें. और इसकी क्या वजह लगती है जतिन भाई कि दिल्ली थिएटर स्टार्स क्यों नहीं खड़े कर पा रहा है? मैंने नाम लिया, आपका नाम लिया, प्रियंका का नाम लिया, मुझे कोई तीसरा चौथा नाम याद नहीं आता कि उसकी एक्टिंग देखने के लिए हम टिकट लेंगे. मतलब इतना काम हो रहा है, इतना हर हफ्ते हर रोज नाटक हो रहे होते हैं, और लेने के लिए नाम एक नहीं है. क्या वजह समझ आती मेरा, है? मेरा जहां तक अंदाजा है ना, एक तो दिशाहीन बहुत जबरदस्त तरीके से हम हुए हैं. दूसरा ये है कि जो अब आपका ग्रुप है, छोटे मोटे जो और बाकी ग्रुप है, उनसे ज्यादा जो दायित्व है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और श्रीराम सेंटर जैसी संस्थानों का है. उनपे दायित्व आता है कि आप लालच के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो नहीं बट श्रीराम सेंटर, क्योंकि बड़ा इजीली अवेलेबल है, तो बच्चों को 2-2 घंटे की एक्टिंग सिखा के आप उनके जो जीवन को बर्बाद कर रहे हो, जो बाकियों में इंप्रेशन डाल रहे हो, वो गलत है. क्योंकि बाकियों के लिए ना कोई, फिर आपके पास, मेरे पास या कोई और तीसरे के पास टाइम नहीं देगा. वो कहेगा यार मैं वहां से सर्टिफिकेट लूंगा, मैं बॉम्बे जाऊंगा, मैं क्यों सीखूं, क्यों टाइम दूं. इंपेशेंस जो है हम लोगों में ना, अभी आज की जनरेशन में बहुत प्रिवेल कर रही है. वो एक बहुत बड़ा कारण है कि हम औंधे मुंह गिरे हैं. हमारे पास सच में, मैं भी अपने आप को उतना बड़ा अभी नहीं मानता हूं कि मैंने थिएटर में कोई बहुत झंडा गाड़ा हो, तो मैं भी कोशिश में हूं आज तक. मेरे को मौका मिलेगा मैं और काम करता रहूंगा उस एक्सेलेंस को हासिल करने के लिए. अगर मुझे ऐसा लगता है, वाकई महेंद्र मेवाती के बाद हमें कोई नहीं मिला. वही मैं कह रहा हूँ कि पहले के बाद कोई नहीं मिला हमें कि जी एक्टर को जिसके लिए, हाँ, जो दीवानापन था वो नहीं है. अब मैं अपने किन्हीं 4 लोगों को बुला बुला के हर बार नाटक दिखाता रहा, उनको बोलू मैं महान हूँ, ये मानो और सबको बताओ, दैट इज नॉट गुड. तो मुझे लगता है अभी हमें बहुत जरूरत है दोनों पार्टियों को, पेशेंस जो सिखा रहे हैं, ग्रुप चला रहे हैं, और जो सीखने आए हैं, पेशेंस की कमी है.
इस विधा को समय देना पड़ता है, अच्छे अच्छों के बैंड बज जाते हैं, बॉम्बे आकर कुछ नहीं कर पाते हैं, सारा समय फालतू की घर बैठ के सोचने में बातें, दिन गुजर जाते हैं, फिर हम गालियां देते हैं और कुछ नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है जो अगर तरीके से काम सीखना चाहता है, करना चाहता है, वो थिएटर को समय जरूर दे, क्योंकि एक ऐसी विद्या है। और सर मुझे ऐसा और भी लगता है, एक चीज अतुल भाई आपसे मैं बिल्कुल इसको वैसे कहूं ओपनली, सिखाने वाले भी कुछ कुछ कम हो चुके हैं। राइट, मुझे लॉट था ना बहुत जबरदस्त टीचर्स का जो शायद हमको मिला, वो अब खत्म हो चुका है। अब जो नए आ रहे हैं वो नई चीजें ला रहे हैं और पक्के नहीं है वो भी, बिना सीखे सिखा रहे हैं, बिना सीखे। हाँ, तो जब गुरु को कुछ ज्ञान नहीं होगा तो चेला तो फिर क्या ही होगा वाली बात जो है ना, तो वो भी थोड़ी चीज है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि एक दौर आया है जतिन भाई, ये हालत है इस समय कि मैं प्रियंका से भी चर्चा कर रहा था कि अगर कल को एक नाटक बनाना चाहे कि भाई दिल्ली के 3 बेस्ट लड़के और बेस्ट लड़कियां थिएटर के चाहिए, आपके पास 2 के बाद नाम नहीं होगा, जबकि इतने एक्टर भरे पड़े हैं, तो अच्छे एक्टर्स ट्रेंड एक्टर्स ढूंढना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि लोग बहुत जल्दीबाजी में है, सबको रिजल्ट आज ही चाहिए, कल ग्रुप ज्वाइन किया आज हीरो बनना है, परसों बॉम्बे जाना है, वो वाला जो स्टेट है। तो आई होप कि जतिन भाई की बात सुन के एक्टर समझे इस बात को कि थिएटर कर, अभी आपसे पहले आज शाम को पीयूष मिश्रा भी आए थे, वो भी ये बोल गए जी जी सीखना और जी, करने का कोई अल्टरनेटिव है नहीं। तो जतिन भाई आगे आपको बढ़ाते हैं कि जिन जिन लोगों को आपने देखा था, उन जो जिनके जैसा बनना चाहते थे, उनके साथ काम करके, चाहे वो नवाज हो, फिर चाहे वो मनोज वाजपेयी हो, चाहे और सब जी, जी। उनके साथ काम करके कैसा लगता है, क्योंकि बहुत से लोगों का तो अभी सपना ही है, ये उनसे मिलना भी सपना ही है। अच्छा, मैं ना इसे सपना नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे उस सपने को यहाँ जोड़ने में थोड़ा सा मुझे वो ऐसा लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये होना था, मतलब ये तय कर चुका था मैं मन में ना, और ऊपर वाले माँ बाप का आशीर्वाद, चाहने वालों का और ऊपर वाले की दुआ और दया के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो मुझे मुझे जो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो बिल्कुल वैसा है कि आपकी तपस्या का फल आपको मिले। और मैंने कभी नहीं सोचा था, जिनके साथ भी मैंने मिला था, मैंने नहीं सोचा था मैं एक दिन इनके साथ काम करूंगा, मैंने नहीं सोचा था ऑनेस्टली। मुझे ये हो सकता है कि कभी किसी मोड़ पर मिलेंगे, शायद हो भी पाएगा। और मनोज वाजपेयी, के मेनन, विजय राज, अनु कपूर, अनुपम खेर, नवाज भाई, सैफ अली खान, मैंने कभी नहीं सोचा था। अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, हंसल मेहता, अभिषेक चौबे, कबीर खान, रणवीर सिंह, तो ये सब अपने आप में एक अलग लोग हैं। और मैं हमेशा से इस उसमें था कि ये अगर इन्होंने किया है ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। और मैं कर सकता हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपने क्राफ्ट पे काम करना है, मुझे अपनी बॉडी पे काम करना है, मुझे अपने इमोशंस पे काम करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे देखना है। देखने में मैं काहिल था, थोड़ा काहिलियत करता था, मैं नाटक बहुत कम देखता था, उसका मुझे रिग्रेट करता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने अपने ऊपर काम करने में कोई कसर ना छोड़ी, ना मैं आज छोड़ रहा हूँ। आज भी लॉकडाउन में मैं अपनी पूरी मेरी कुछ कुछ जो मैं अपने आप को एनालाइज कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैं कुछ चीजें देख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। वही सवाल लोगों ने पूछा कि जतिन सर ना लॉकडाउन में क्या, हाउ इज ही प्रिपेयरिंग टू बी अ बेटर एक्टर, या क्या प्रोसेस है लॉकडाउन में, कैसे अपने आप पे काम कर रहे हैं जो बाकी लोग इससे सीख पाए। लॉकडाउन आई थिंक सिर्फ मेरे लिए एज एन एक्टर नहीं, एक एक जीव के लिए जो इस धरती पर है, हर एक इंसान, चाहे उसके एक्टिंग से कोई लेना देना है कि नहीं, मुझे लगता है एक ऐसा मौका मिला है जहां पर आप अपने आप से सवाल करोगे, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो कि मैं कौन हूँ। और एक्टिंग में यही चीज चाहिए होती है, सबसे पहले खुद को जानना, खुद की गहराई नापना, खुद को हिसाब लगाना कि मैं हूं कहाँ पे, मैं क्या हूँ। नेचर ने जो हमारे साथ किया, वो जो हमने नेचर के साथ किया, वो हमें वापस मिल रहा है। जैसे क्या हम यहाँ से छूटने के बाद फिर से वही धोखा देने वाले हैं, वही कुदरत के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, क्या हम ऐसा करने वाले हैं? क्या हमें अब नहीं समझ में आ रहा कि ह्यूमन इमोशंस क्या होते हैं, माता पिता के साथ रहना, उनसे दूर रहना कैसा होता है, उन रिश्तेदारों के साथ बात करना आज कैसा अजीब अनुभव देता है जिनको आप भूल चुके हैं, उन दोस्तों से बातचीत करना जिनसे कभी स्कूल में मुलाकात हुई थी। तो ये एक्टर के लिए ये सारी पूंजी है। अब वो रिकॉल कर रहा है, उनसे बातें कर रहा है, चीजों को खंगाल रहा है, खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। मैं फिल्में देखता हूँ, मैं चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों
एक एक्टर ऐसे एक्ट कर रहा है, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कैसे करता, और क्या जो मैं करता वो मुझे वो करना चाहिए, या मुझे अपने आप को हटाकर एक कैरेक्टर को लाकर देखना चाहिए कि कैरेक्टर ऐसे करता तो कैसे करता। तो मेरी कुछ कुछ क्लासेस अपने आप से चल रही हैं, मैं कुछ कुछ चीजों को वो कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बंद भी हूं तो एक अलग अनुभव हो रहा है, कुछ एक हो सकता है एक नए कैरेक्टर की भी तैयारी हो रही हो, तो ये अभी कुछ कुछ काम चल रहा है मेरे को खुद को लेके, अपने 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 बिहेवियर को समझ रहा हूँ कि कैसे लोगों से बात करता हूँ, या एक चीज बड़ी प्यारी समझ में आई है कि जब यहाँ से बाहर निकलना है तो एक सबसे इम्पोर्टेंट सबक जो हमारे पास होना चाहिए वो ये है कि टू बी काइंड टू एवरीवन, सबके लिए मन में दया होनी चाहिए, सबके लिए मन में एक सद्भाव होना चाहिए। right. अभी भी इसके बाद भी ये सब होने के बाद भी अगर हम गधे रहे तो कोई फायदा नहीं, और एज एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी भाई बिल्कुल ज्योति भाई, बड़ा मजा आ रहा है बात करके। मैं मेरा लास्ट सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं सवाल पूछने के लिए, आ रहा हूँ भाई पास आ रहा हूँ, पहले मैं अपने सवाल खत्म कर लूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत लोग पूछेंगे कि अपना एक्टिंग प्रोसेस क्या है। कोई स्क्रिप्ट या कोई किरदार मिल जाता है तो किसी स्कूल को फॉलो करते हैं, कोई पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट है, क्या स्टाइल क्या है कि स्टार्टिंग से जब कैरेक्टर तैयार करना होता है तो उसको कैसे तैयार करते हैं, वो एक ब्रीफ में बता दीजिए, फिर सवाल। मैं बिल्कुल ईमानदारी से एक बात बता देता हूँ, मैं बिल्कुल किसी स्कूल को फॉलो नहीं करता हूँ, किसी थ्योरी को नहीं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो मोर और लेस वही है जो मैंने अनुभव किया है अपने आप ही चीजों को समझते हुए, वो उन्हीं के आसपास है, उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज है जो हम आजमा सकते हैं अपने काम को इजी बनाने के लिए। तो जब भी मुझे कोई स्क्रिप्ट मिलती है, कोई कैरेक्टर मिलता है, तो सबसे पहले मैं उसको पढ़ता बहुत हूँ। अच्छा। और उसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आधी बात स्क्रिप्ट में है, आधी बात उस डायलॉग में है जो आपको दिखनी शुरू हो जाती है, नॉट एग्जैक्टली इन द वेरी फर्स्ट रीडिंग बट मे बी इन द सेकंड और थर्ड रीडिंग जब आप करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि किस और जा रहे हो। और एक बड़ी कमाल की बात है, जो चाहे एक्टर हो या नहीं भी हो, जब हम कुछ पढ़ते हैं ना तो हमारा एक वर्ल्ड, एक दुनिया हम बनाने लग जाते हैं अपने आप, एक पिक्चर हमारे दिमाग में चलने लग जाती है ऑटोमेटिकली। मैं उस पिक्चर को फॉलो करता हूँ, मैं उस थॉट को फॉलो, उस इमेजिनेशन को फॉलो करने लगता हूँ कि वहां कैसे हो रहा है, वहां पे क्या कहानी बननी शुरू हो गई है, वो जो किरदार मैं करने जाऊंगा या जो मुझे मिला है वो मेरे उस वर्ल्ड में कैसे बिहेव कर रहा है। अच्छा। जब मैं उसको देखने लग जाता हूँ, अच्छा ये ऐसे चल रहा है यार, ये ऐसे बात कर रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है पहले दूसरे में ना आप बात कर रहे होते हो कि आप होते तो क्या करते। Right. जब आप दो से ज्यादा बार चले जाते हो उसको पढ़ने में और लगातार उस पर थॉट देते हो तो फिर मजा आता है उसकी जर्नी और उस कैरेक्टर को आपके सामने आना शुरू हो जाता है वो आदमी। Right. और बढ़िया एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जब भी आपको ऐसा कोई काम मिले, निरंतर एक एक्टर का काम ही यही है कि उसके बारे में सोचे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मैं रात को एक एक डेढ़ डेढ़ बजे उठ के मैं नोट्स बनाता हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी कुछ याद आता है तो मेरे बेड के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये साइड में एक डायरी और ये पेन पड़ा है, ये मेरा बेड है और मेरे बिल्कुल ये सिराहने पड़ा रहता है, मुझे जैसे ही कोई थॉट आता है मैं फटाफट उसे नोट डाउन करता हूँ ताकि वो जाए ना। तो ये कुछ चीजें मैं वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ, और फिर मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि अगर जो किरदार मुझे करने को कहा जा रहा है क्या वो मैंने कहीं देखा है, कहीं मैंने सुना हुआ है, और अगर मैंने देखा हुआ है और मेरे आसपास का वैसा कोई आदमी है तो मैं उसको उसके पास जाता हूँ। जैसे कि इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, हेमलेट नाटक किया था मैंने, तो पता नहीं बहुत लोगों को याद है कि नहीं, एक मंडी हाउस में ही श्रीराम सेंटर के सामने एक पागल होता था शंकर नाम का, और इत्तफाक की बात है वो आदमी शंकर जब मुझे दिखा था उसके कुछ दिनों बाद मैंने हेमलेट उठाया था, हेमलेट नाटक करना शुरू किया था, और जब हेमलेट नाटक मैंने करना शुरू किया तो जब वो पागल होना जो होता है हेमलेट वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो मैं कैसे करूं। तो एक दिन बात करते करते, क्योंकि मैं शंकर की नकल बहुत उतारता था, उसे मैंने बहुत गहरा ऑब्जर्व किया था, तो मैंने उसके जेस्चर पोस्चर उसकी आवाज को डायलॉग में डालना शुरू किया, और वो फिर जब वो पागल जो था वो शंकर जो था वो हेमलेट के उस पागल वाले पार्ट में आ गया, और इत्तफाक देखिए, खुदा का करिश्मा देखिए, उस दिन के बाद जब मैंने नाटक खत्म हो गया हेमलेट शंकर दिखा नहीं, उसके बाद वो पागल नहीं दिखा, नहीं दिखा, जब रणवीर सिंह आपके पोस्ट पे कमेंट करता है।
रणवीर सिंह आपके इंस्टा पोस्ट पे कमेंट करता है, लाइक वो ना बड़ा, हाँ वो बड़ा वो प्यारा इंसान है। उसके साथ मेरी जो बात बनने का जो कारण है वो ये है कि जो वो मुझसे कहता है कि वो, उसका ये मानना है कि वो बहुत पागल है, पैशनेट है एक्टिंग के लिए, तो वो मुझे यही बार बार बोलता है कि मैं तुझे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे तेरे से वो होती है नफरत कि इतना ज्यादा एक्टिंग के बारे में क्यों सोचता है कोई। अच्छा, तो ये वो मुझे ऐसा कहता है, तो वो मुझे उसने कई बार बोली है बात कि मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा होता है कि यार मेरे से ज्यादा कौन है जो इतना एक्टिंग के बारे में सोचता है या बात करता है या उसको मानता है। तो इस वजह से ना हमारी दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है और हम दोनों एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं। तो जैसे वो आया मेरे से एक साल पहले था, बॉन्ड मेरे से एक साल बाद हुआ, फिल्म इंडस्ट्री में मेरे से जस्ट एक साल पहले उसकी फिल्म आई थी, तो भी अब वो स्टार है, तो मैं चाहता हूँ उसे मैं बड़ा दोस्ताना वो रखूं, बट वो हो नहीं पाता बिकॉज ही सीनियर एज इन इज ए स्टार, मैं होने वाला हूँ, तो वो जो थोड़ा सा फासला है उसके चक्कर में मैं उसको सरजी सरजी कह के बुलाता हूँ, तो उसको जरा वो मस्ती हमारी चलती है उस लिहाज से। अमेजिंग। तो चलो भाई आपका इंतजार खत्म हुआ, मैं सवाल लेता हूँ, बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं जी। चलिए आशीष कुमार जी आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, आशीष कुमार जी अपना सवाल आप पूछेंगे, हम बारी बारी सबके पास आएंगे। आशीष कुमार जी जी नमस्कार सर, सर आई ऑडिबल? ऑडिबल ऑडिबल, नमस्कार नमस्कार, यू आर ऑडिबल। सर जतिन सर, मेरा आपके प्ले से एक सवाल है, मतलब आपने जो अभी हैमलेट का जिक्र किया 2016 में आपने किया था, उसमें एक कास्ट मेंबर थे अभिजीत वर्मा, जिनके आगे जिनके साथ मैंने आगे कुछ और भी काम किया था, तो मेरा सवाल ये है कि आपने जो स्क्रिप्ट उठाया था हैमलेट, वो आपने अडॉप्ट किया था या फिर दस का दस उठाया था? अगर अडॉप्ट किया था तो वो मुझे मेरे पास कैसे आ सकती है? मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब आपका अडॉप्ट किया हुआ स्क्रिप्ट कैसा है, कैसा है, मतलब मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, उस जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, तो हैमलेट उठाने का मकसद जो था वो ये था कि मैंने जब भी नाटक करने चाहे तो मैं हमेशा वो नाटक करता था जिनमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं, एक्टर्स जो हैं, वो इन्वॉल्व हो सके, और मेरी क्योंकि टीम बहुत बड़ी है और भी नए लोग जुड़ते रहते थे, तो मैं किसी को ना नहीं कह पाता था, और जब भी मैं नाटक करता था तो मुझे लगता था कि सबको काम मिले तो अच्छा है। तो इसी ये कारण था हैमलेट करने का, मैं डायरेक्ट करना चाहता था, मैं एक्ट नहीं करना चाहता था, एक्ट मैं किसी से करवाना चाहता, लेकिन वो एन वक्त पे उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया उस एक्टर का, तो उसने वो चला गया या कुछ जो भी उसने डिसाइड किया जाने का, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो एंड मोमेंट पे जो है मुझे खुद उतरना पड़ा वो रोल करने के लिए जी। तो फिर बारी है कि अब इतनी बड़ी लाइनें और रांगे राघव का लिखा हुआ शेक्सपियर, तो आपको पता ही है, मतलब नो ऑफेंस बट वो भाषा जो है ना वो आजकल है नहीं, तो वो अगर आपको ऑडियंस को एंगेज करना है तो गिमिक्स की बड़ी जरूरत है, और मेरे तो नाटक पता ही है आपको, मैं ड्रामेबाजी बहुत ज्यादा करता हूँ नाटकों में अपने, चाहे वो विकास नहीं करता है, विकास का अजनबी मैंने ड्रामेटिक बना दिया था, वो था गैंगस्टर समिति, गैंगस्टर समिति अतुल भाई के फेस्टिवल में था, तो वो और फिर शेक्सपियर का और वीरभिमन्यु अभी जब किया, तो एडाप्टेशन करते वक्त मैं ये चाहता था कि मैं उसको इंडियन परिवेश में अगर ये कहानी होती तो कैसे होती। अब मेरे सामने चैलेंज एक और था, क्योंकि ऑलरेडी विशाल सर की फिल्म हैदर आ गई थी, और अब सब चीजों से लेकर मैं घबराया हुआ था, उसके नाम से लेकर उसके अडॉप्टेशन से लेकर हर चीज से, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं अपनी एक कोशिश करूंगा और मैं अपना उसको टेक दूंगा कि मेरा टेक क्या है। तो मैंने उसको पढ़ना, रोज पढ़ना शुरू किया, मेरे साथ अतिशय होता था जो उसका को राइटर है, तो हम लोग क्या करते थे, हम सुबह सुबह 10 बजे 11 बजे नाटक को शुरू हुए, 30 दिन हुए था, 10-11 बजे हम SRC के बाहर मिलते थे एज यूजुअल, सामने चाय पीनी और स्क्रिप्ट रांगे राघव या जो भी इंग्लिश का जो स्क्रिप्ट था ओरिजिनल उसको मैं लेता था, बातचीत मैं पढ़ता था, फिर हम उसकी बातचीत बनाते थे और राइट डाउन करना शुरू करता था अतिशय, लैपटॉप लेकर हम बैठे रहे थे, मतलब उन दिनों तो ये हाल थी, हम सारे एडल्ट हैं तो मैं बोल सकता हूँ, मेरा पिछवाड़ा जो वो पत्थर का हो गया था लिटरली, क्योंकि वो पत्थर की स्लैब थी जो आपको पता ही है वो पेड़ के चारों तरफ जो बाउंड्री है और वो नोकीली भी है थोड़ी सी, तो गर्मी बरसात कुछ भी हो वो चुभता था बहुत, और मैं यही सोचता था कि ऐसा बढ़िया नाटक करना है कि बस लोगों को स्वाद आ जाए, तो वो वैसे अडॉप्ट किया और उसका शो कर दिया,
शो करा तो लोगों को, पहले कश्मकश के नाम से हुआ था, तब उतना लोगों तक पहुंच नहीं पाया था क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया था और हम भी इतने अभी मार्केट में नए थे, बट ये हमें उसने राय दी थी, हैप्पी रंजीत ने, उसने बोला तू नाटक भले ही अडेप्टेशन करा है लेकिन हेमलेट नाम ही रख। तो मेरे किरदार का नाम बेसिकली हेमंत था, बट हमने हेमलेट के नाम से उसे प्ले को किया और दो तीन शोज करे, उसके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आखिरी के शो तक आते आते। और हाँ, मेरे पास उसकी सॉफ्ट वो कॉपी है, आप अतुल भाई मुझे आपका ईमेल शेयर कर लें या मैं अतुल भाई से ईमेल लेकर आपको स्क्रिप्ट भेज दूंगा, आप जरूर पढ़ें उसे। मुझे भी थोड़ा बहुत उत्सुक हूँ सर उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए जो आपने अडॉप्ट किया था। पहुंचा देंगे आप तक बिल्कुल, मैं अतुल भाई को दे दूंगा वो आपको। चलिए कमल, कमल आपका सवाल, आपका हम अनम्यूट कर रहे हैं, कमल पूछिए सवाल। हेलो सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ मेरे भाई कमल, तेरी आवाज आ रही है। कमल किशोर मुझे लगातार बेताल की तरह फॉलो करता है, लव यू भाई। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ कमल। वैसे जतिन भाई मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, बट मेरे दो सवाल थे। एक का जवाब आपने दे दिया कि आपने हेमलेट में जो रोल किया था उसका कैरेक्टर आपने कैसे बनाया। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपका मैं एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ मेवाती दीदी के साथ, कि मैं कभी उनसे मिला नहीं, तो आपको एज एन एक्टर उनसे क्या सीखने को मिला और आप हमें वो बता सके। देखिए एक्टिंग करना एक चीज है कि मैं एक्टर हूँ, और एक्टिंग के ना क्लर्क भी होते हैं, तो हम सब बहुत सारे क्लर्क हैं एक्टिंग के, जो एक्टिंग की ड्यूटी बजा रहे हैं कि हमें पता है एक्टिंग क्या होती है, हमने कोर्स किया और हम एक्टिंग करने आ गए। फिर होते हैं कुछ जादूगर, तो मेवाती साहब उन जादूगरों में से एक थे, और उनका डंका बहुत बोलता था एनएसजी और श्रीराम सेंटर और मंडी हाउस में। तो वो जैसे इरफान खान साहब एक जादू है, तो मुझे ना मेवाती साहब से मैं कभी मिला नहीं था पर्सनली, ना ही मेरी कभी उनसे कोई बहुत बड़ी बातचीत हुई। और कमाल की बात है, इत्तफाक की एक बात बता देता हूँ, मैं हेमलेट के लिए क्लॉडियस का जो रोल था और मेरे हेमलेट के हिसाब से कैलाश का जो रोल था वो मैं मेवाती साहब से करवाना चाहता था, जिसके लिए मैंने एक दो बार मीटिंग भी करी, बट क्योंकि कुछ एक उनकी आदतों की वजह से वो मुकम्मल नहीं हो पाती थी बात, मैं उनको पूछ के बोल के आता था मगर वो फिर अगले दिन भूल के इधर उधर हो जाती थी बात। तो मैंने उनसे जो सीखा ना वो जादूगरी और वो कन्विक्शन सीखा, जो कन्विक्शन एक एक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम एक्टर्स क्या होते हैं, हम क्यों हमारे अभिनय में वो बात नहीं आ पाती, क्यों हमारा अभिनय कच्चे स्तर पे रह जाता है, क्यों? क्योंकि हमारा जो बिलीफ है, जो हमारा मानना है, जो हमारा हम जो विश्वास की अगर कमी होती है ना, आप जब कुछ कर रहे हो तो आपको अगर कमी लगेगी विश्वास की, आप ही को विश्वास नहीं होगा अगर अपने काम पे, तो दुनिया कभी विश्वास नहीं करेगी। मैं नाटक करता था, मैं हमेशा बोलता था, मैं कभी कभी ऐसा होता ना कोई सीन करते हैं तो हंसी आ जाती है, अरे यार कैसे कर रहा है, अबे यार ये तो नहीं हो सकता। तो मैं बोलता था अपने एक्टर्स को, मैं खुद भी बोलता था अपने आप को, मैंने कहा अगर तुमने कन्विक्शन के साथ इसको कर दिया तो कोई मायका लाल इस पे मतलब इसकी मोकरी नहीं करेगा, मतलब इसका मजाक नहीं बनाएगा। तुम विश्वास रखो, कॉन्फिडेंट रहो, उसको ये क्राफ्ट क्या होता है, क्राफ्ट यही होता है उस चीज की प्रैक्टिस करना, उसको इतना साधना कि जब वो फाइनली आप करें तो फ्लॉ ना हो और ऐसा लगे अरे वाह। वरना कौन सी चीज नहीं होती दुनिया में, सब होता है, जो भी आप सोचें वो सब होता है, क्योंकि आप सोच रहे हैं, क्योंकि वो होता है इसीलिए आप सोचते हैं ना। तो मेवाती साहब से मैंने वो कन्विक्शन सीखा, वो एक होता है, एक ऑरा होता है, जब आप परफॉर्म करने आए ना तो आपके चेहरे से आपकी बॉडी से एनर्जी छलकनी चाहिए, और एनर्जी से कतई ये मतलब नहीं है कि आप दहाड़ने लगे स्टेज पे, मतलब रोल शांत लड़के का और आप हा हा ऐसे कुछ चिल्ला के वो करने लगे, उससे मेरा एनर्जी से वो नहीं है। एनर्जी का मतलब ये है कि आप आए और चार्ज हो जाए पूरा सिनेमा हॉल हो, चाहे दर्शकों का दर्शकों से भरा ऑडिटोरियम हो, लोग ऐसे देखे और कहे अबे यार अब कुछ होगा। आपका पॉज भी होना, उसको भी आप जीवंत कर दे। तो मेवाती साहब उन लोगों में से थे जो उस पॉज को जीवंत कर देते थे, जो डायलॉग के अलावा बहुत कुछ बोलते थे, और मेरी उनसे बात भी हुई थी, उन्होंने मेरा नाटक देखा था यही अजनबी, और उन्होंने आके मुझे डांटा था इनफैक्ट। तो मैं थोड़ा ना इमोशनल आदमी हूँ, अजनबी में क्या होता था आखिरी में ये जो अरुण का जो कैरेक्टर वो चिट्ठी लिख रहा है अपनी माँ को और वो फाड़ देता है, जबकि माँ मर चुकी है, तो वो चिट्ठी पढ़ता पढ़ता जा रहा था मैं, और ये मेरी गलती थी, मैं रो पड़ा उस कैरेक्टर को रोना और उदास होना, मतलब उस एक्टर को रोना, कैरेक्टर को कभी रोना नहीं था,
वो क्योंकि भगवान ने मैं नहीं मानता, मौत से नहीं डरता, मगर मुझसे गलती हो गई कि मैं रो दिया, क्योंकि कुछ एक ऐसे जिक्र थे, चाहे वो माँ का जिक्र हो या कुछ हो, मैं संभल नहीं पाया, मैं उनसे बहुत फपक फपक के रोने लगा। हालांकि मैंने पूरा डायलॉग कंप्लीट किया, और लेकिन यही एक एक कमाल के एक्टर की या कमाल के इंसान की बात होती है, और वही हुआ। मेवाती साहब मुझे ढूंढते ढूंढते एनएसजी के ग्रीन रूम में आ गए और उन्होंने मुझे फटकार लगा दी। उन्होंने बोल दिया, तुम रोए क्यों, रो ही नहीं सकता, वो कैरेक्टर तुमने पढ़ा नहीं है, वो कैरेक्टर नहीं रोएगा। अरुण जब इतनी देर से इतना बिल्ड करके आ रहा है तो तुम रोए कैसे? और मैं सच में डर गया था, मैं डर गया था, और मैं शर्मसार था, मुझे लगा मैंने धोखा कर दिया, मैंने झूठ, मैंने गलत कर दिया सब कुछ, और मैं माफी मांगता रहा उनसे। मैंने कहा मेरे से गलती हो गई, मैं बह गया था। तो एक्टर को इमोशंस पे कंट्रोल करना भी उतना ही आना चाहिए, कि कैरेक्टर उसके यहां होना चाहिए, जब वो करे तो यहां हो, अदरवाइज यहां हो, दूर हो उससे। तो ये कुछ अनुभव मेरे महेंद्र सर के साथ थे। नाम नहीं लिखा हुआ, 5650E58 भी, जो भी ये फोन का नंबर शायद लिखा हुआ है, आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप सवाल पूछिए अपना, बताइए। नमस्कार जतिन सर। नमस्कार 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 कौशिक सर। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार जी, बताइए सर। सर मैं जतिन सर को जानता था, लेकिन ये नहीं पता था कि सर थिएटर से, जब मैंने उनका एक महीने प्ले देखा, पहले प्ले देखा था वीर अभिमन्यु, तब उनको जाना कि वो भी थिएटर से है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब थिएटर से कैमरा एक्टिंग और मूव करते हैं, तो उन किन बातों का ध्यान रखें थिएटर करते वक्त, कि जब हम कैमरा एक्टिंग करें तो वो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अच्छा अच्छा, ये एक चीज, ये भ्रांति है, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल देते हैं। और एक्टिंग एक्टिंग होती है दोस्त, कैमरे के सामने मसला पता है क्या है, कितना है मैं बता देता हूं। जब हम थिएटर में होते हैं ना, तो हमारे को देखने के लिए लोगों लोग लाइव सामने होते हैं और बहुत पीछे तक होते हैं, उसके लिए हमें आवाज का प्रोजेक्शन बढ़ाना पड़ता है कि हमारी बात पीछे तक सब तक पहुंचे, उसके लिए वॉइस की एक्सरसाइज होती है। हमें अपने कभी कभी जेस्चर पोस्चर बड़े करने पड़ते हैं, ताकि हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो पीछे तक पहुंच जाए। अगर आवाज ना पहुंचे तो हाथ के जेस्चर से पहुंच जाए। तो ये इस वजह से ये विधा थी। अब तो फुट माइक्स आ गए हैं, हैंगिंग माइक्स हैं, तो वो सारी चीजें बदल रही हैं, और एक्टिंग का वो भी तरीका भी बदल रहा है। अब जबरदस्ती एग्जेजरेट नहीं किया जाता अभिनय करते वक्त, चीजों को बड़ा नॉर्मल और रियलिस्टिक रखा जाता है, अंटिल अनलेस आप पारसी कर रहे हो या छाव बेस्ड कोई नाटक कर रहे हो। अब उसमें क्या होता है, फिल्म में क्या होता है दोस्त, फिल्म में कंसंट्रेशन का लेवल बहुत हाई चाहिए होता है, आपको अपने आप को बहुत सारी चीजों से कट ऑफ करना पड़ता है आपको निरंतर, क्योंकि जब आप थिएटर करते हैं तो कैरेक्टर को आप प्रिपेयर करने के लिए 30-40-50 साल 2 साल कितने भी दे सकते हैं, क्योंकि आप पे 1-2 घंटा होता है, बिकॉज आप लगातार परफॉर्म करते हैं, उसके बीच में ब्रेक नहीं होता। फिल्म में क्या होता है, फिल्म में कट एक्शन, लोकेशन चेंज होना, स्पेस बदल जाना, भीड़ वाले इलाकों में दुनिया देख रही है आपको, आपको परफॉर्म करना पड़ रहा है, और आपको अपने इमोशन पे रहना, आपको इनफेक्ट मतलब अफेक्ट नहीं होना उनसे। तो हमको जो अपने आप को थिएटर में हमें जो सिखाया जाता है, वो यही सिखाया जाता है कि कितना डिसिप्लिन और कितना अलिनिएट होकर हम अपने आप पे काम कर रहे हैं। मतलब जब हम काम कर रहे हैं तो हमको फोकस होने की एक्सरसाइजेस बताई जाती है, वो फोकस होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा फोकस हल्का सा भी हटता है तो हम शायद भूल जाएंगे। अगर मैं किसी सड़क पे शूट कर रहा हूं और मुझे अभिनय करना और एक चीख पुकार हो रही है कहीं पर, तो अगर मेरा फोकस नहीं है, अगर मेरा कंसंट्रेशन नहीं है, तो मैं बिगड़ जाएगा सब कुछ और मैं नहीं कर पाऊंगा। तो एक्टिंग तो वही रहती है, जो मेरा मानना है, थ्योरी कुछ कहती हो तो मुझे नहीं पता भाई, अगर मुझसे बात कर रहे हो, मुझसे जानना चाह रहे हो, तो मैंने तो ये सीखा है, मैं कैमरे के सामने बस इतना है कि आप जो बात मुंह से हर बार कहना चाहते हैं वो आंख के इशारे से कर सकते हैं, क्योंकि कैमरा आपके यहाँ लगा हुआ है, ये कैमरा लगा हुआ है, तो मैं कुछ भी करूंगा, मैं हल्का सा आंख यूं भी करूंगा, मैं ऐसे हंस दूं या साइलेंट रहूं या मैं कुछ ऐसे कर दूं, आंख दिखा दूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऑडियंस थिएटर में जब ये देखती है तो दूर होती है, देख नहीं पाती है। तो कई बार वो चीजें काम ऐसे करती है, बाकी कोई ऐसा मेजर मुझे तो बहुत नजर नहीं आता है फर्क। मैं तो वही एक्टिंग करता हूँ, हर बार खूबसूरत एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ, मैं थिएटर में भी उतना रियलिस्टिक होता हूँ और फिल्मों में भी उतना ही रियलिस्टिक होते हैं,
की कोशिश करता हूँ। तो आप बस फोकस रहना होता है, शायद ये बात है, कंसंट्रेट करना पड़ता है अपने कैरेक्टर को, हमेशा अपने दिमाग को टक 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 करते रहना पड़ता है कि कैरेक्टर कैरेक्टर कैरेक्टर। अगर अच्छा काम करना चाहते हो तो हाँ ही करनी है तो कुछ भी करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभिषेक डोभाल। अभिषेक डोभाल अपना सवाल पूछेंगे, आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं। अभिषेक डोभाल पूछिए। नमस्कार सर। हेलो, मैं थोड़ा सा, मुझे आवाज का हेलो प्रॉब्लम लग रहा है। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है। सर मेरा सवाल आपके एक प्ले से है, वो मैंने देखा तो नहीं है पर यूट्यूब में मैंने उसका ट्रेलर देखा था, महारथी का। महारथी जो प्ले में आपने कर्ण का किरदार किया था, तो आप किरदार के बारे में बताए कैसे उस तक पहुंचे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके एक टाइम पे बहुत सारे इमोशंस उसके अंदर चलते हैं, तो उस तक आप कैसे पहुंचे उसके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए सर। जी जी जी, मेरे को आपको आवाज आ रही है सबको मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है। जी जी सर। तो महारथी जो है ना, वो कर्ण का जो कैरेक्टर है, अगेन वही कैरेक्टर पे बात कर दूंगा, तो कर्ण का जो कैरेक्टर वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज से जूझता हुआ एक कैरेक्टर है, जो लगातार जिसको अपने सत्य के बारे में नहीं पता। तो जब मैं उस कैरेक्टर को प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने अपने आप को, मैं इनसे थोड़ा दूर रहता था बाकी के जो एक्टर्स थे, क्योंकि मुझे मुझे अपनी तैयारी करनी थी, तो मुझे एक लेवल अपना तैयार करना था कि मैं किस लेवल पे हूं। तो कर्ण महारथी था, यहां लेवल पे था अपने कर्म की वजह से, अपना कर्म जो कर रहा था वो, या जितना बड़ा योद्धा था वो, लेकिन स्टेटस उसका हमेशा नीचे था। तो मैं हमेशा से ही, जब भी मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जो आपने पूछा कि कैसे तैयारी करी, तो मैं बहुत शांत रहता था। मैं हमेशा अंदर अपने एक फीलिंग चला के रखता था कि मैं एक वो इंसान हूं जिससे ये लोग मजबूरी में बात कर रहे हैं, ये मुझसे बात नहीं भी करें तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने सब दोस्तों की, टीममेट्स की बात कर रहा हूँ, मैंने ऐसा मानना शुरू किया था अपने को लेके उनके सामने, कि ये मुझे सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मेरी विद्या जो मुझे आती है वो अच्छी है, अगर वो ठीक नहीं होती तो शायद ये लोग मुझे उतना स्पेस नहीं देते। क्योंकि कर्ण के साथ यही होता था, कर्ण बहुत बड़ा योद्धा को सब अच्छे से जानते थे, लेकिन सब उसका इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे कृष्ण ने करना चाहा हो, चाहे कुंती ने करना चाहा हो। और मुझे उस कॉम्प्लेक्सिटी को खेलने का जो मजा आया, वो जो पीड़ा थी कि वो जानता है मैं कौन हूं, और मैं हम सब कर्ण हैं अपनी जिंदगी के। कर्ण के पास कृष्ण नहीं थे, कृष्ण अर्जुन के पास थे, कर्ण के पास कोई नहीं था, कर्ण के पास परशुराम थे, उन्होंने भी उसको श्राप दे दिया था, श्राप दे के साथ छोड़ दिया था। तो जब इतनी सारी चीजों के साथ आप जूझ रहे होते हो, जब वो पढ़ रहे होते हो, आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है कि मेरे साथ तब कैसे बिहेव हुआ था, मेरे साथ लोगों ने कभी अच्छा बिहेव नहीं किया होगा, तो मैंने उन चीजों को रिकॉल किया, मुझे अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिली होगी जो मिलनी चाहिए थी, मैंने उसको याद किया, मैंने ये माना कि अगर मेरे को अच्छा एक्टिंग आती है तो फिर मुझे फिल्म में मेन लीड क्यों नहीं मिल रहा है, या मेरे को अच्छा काम क्यों नहीं मिला, मैंने उसको याद किया। बहुत सारी चीजों को मैंने कल्बिनेट करके कर्ण में डाला और मैंने अपना कर्ण तैयार किया। बाकी स्क्रिप्ट में बहुत कुछ था, मैं आज भी नहीं भूलता हूँ कृष्ण के साथ जो कर्ण का संवाद था, और माता कुंती के साथ जो वो सीन था, मैं आज भी याद करता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट सीन्स और वन ऑफ द बेस्ट प्लेज आई हैव बीन पार्ट ऑफ। आई डोंट नो कितनों ने देखा है वो नाटक, लेकिन वो मेरे दिल के बड़ा मेरे दिल के बहुत करीब है वो नाटक। मेरी जान जाती थी जब मैं वो सीन करने तक पहुंचता था, तो मुझे बहुत बिल्ड करना पड़ता था, मुझे भूलना पड़ता था कि मैं किसका बेटा हूँ और मैं खुद क्या हूँ, क्योंकि वो क्षत्रिय था लेकिन उसको नहीं पता था। तो ये सारी चीजें थी जो मैं अपने साथ, मैंने उनको रिलेट करने की कोशिश करी कि मेरे जीवन में ऐसा क्या है जो कर्ण के जीवन में है, और वो मेरे सामने जब आई तो मैंने उनको थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं करके फॉर्मूला लगाया और करने की कोशिश की। हालांकि और उम्मीद है कि अच्छा कर सकता हूं उसको, अब और बेहतर कर पाऊंगा। गुड गुड। चलिए मनमीत सिंह आपको अनम्यूट कर रहे हैं। मनमीत सिंह अपना सवाल पूछिए। हाय सर, गुड इवनिंग। बोल के सब पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग
सर एक तो आपसे बात करने पे सुन के ऐसा लग रहा है कि अब मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के, तो शायद पर्सनली आपके साथ टाइम स्पेंड करके और अच्छा लगेगा आई गेस। बिल्कुल मेरे दोस्त, कभी मौका मिले, आई एम होपिंग कि कभी मौका मिले। सर मेरा सवाल ये है कि आपने दो खामियां बताई आज के टाइम की, कि आजकल का जो लॉट आ रहा है, आजकल का जो क्राउड है, उनमें सीखने की वो इच्छा नहीं है। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन बताऊं कि एज अ, अगर मैं अपना बात बताऊं कि मैं सीखना चाहता हूं, सो आपके इस कमी का सोल्यूशन तो निकल गया। जो दूसरी आपने कमी बताई कि आजकल ऐसा लॉट भी नहीं है, सिखाने वाला लॉट भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था जो आपके टाइम पे था। सो आप मुझे इस चीज का सोल्यूशन दे सकते हैं कोई आपने इस, प्लीज? अच्छा ठीक है, चलो। द्रोणाचार्य जो थे ना, द्रोणाचार्य जानते हो? जी, गुरु द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य एक जगह स्थापित थे और अर्जुन के पास अवेलेबल, अर्जुन अवेलेबल था, दुर्योधन अवेलेबल था, भीम अवेलेबल था, सारे अवेलेबल थे। कर्ण और एकलव्य दोनों बाहर थे। कर्ण भी नहीं, कर्ण भी बहुत बड़े महारथी से सीखा, परशुराम जी से सीखा, जो गुरु भाई भी रहे इनके। और एकलव्य जो था उसके पास नहीं था टीचर, वो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति देखता था और सीखता था या चुपके सीखता था। अब बात जो तुमने करी उस पर आता हूं मेरे दोस्त। जब ये स्थिति आ जाती है कि अब गुरु द्रोणाचार्य नहीं मिल रहे हैं, परशुराम भी नहीं मिल रहे हैं, अब एकलव्य करे क्या, एकलव्य रेडी है सीखने के, तो एकलव्य को गुरु द्रोण बनना पड़ेगा। गुरु द्रोण भी नहीं बनेगा तो उससे कुछ कम तो बनना पड़ेगा। मैंने अपनी जिंदगी में ये काम कर लिया था भाई, मेरे पास नहीं था कोई टीचर जब मैं श्रीराम सेंटर से बाहर आ गया था, टीचर भी नहीं, डायरेक्टर नहीं था कोई जो मुझे लेकर कहता है मैं नाटक बनाना चाहता हूं। मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि कोई मैं सीखूं और सीखूं और सीखूं। तो मैंने दो तीन चीजें क्लियर कर ली थी अपने जहन में कि मैं ये काम करूंगा। तो पहला मैंने ये किया कि मैंने थोड़ा देखना शुरू किया दूसरों का काम, ठीक है, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए मुझे क्या नहीं करना है। क्योंकि वहां जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो नहीं करनी है आपको, वहां बहुत मंडी हाउस में बहुत भौकाल है, वहां पे बहुत सारी चीजें वो हो रही हैं जो नहीं सीखनी है, नहीं करनी है। फालतू चाय पटरी पे बैठना नहीं है, और जो कुछ कुछ अभिनय होते हैं वहां पे जिनसे बचना है। मैं किसी को कम बढ़ती नहीं आंक रहा हूं, मैं भी अभी उसी ट्रेन में सवार हूं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी हो जाए तुम्हें क्या करना है। अब कोई बाई चांस नहीं मिले तो अपना बेड़ा अपने हाथ में उठाना पड़ेगा दोस्त, खुद का टीचर खुद बनना पड़ेगा। आप पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, लोगों से इंटरेक्ट करें। एक्टिंग इज नथिंग बट इंटरेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, नथिंग, इट्स नथिंग टू डू विद टीचर। टीचर क्या करता है, आपको एक राह दिखाता है। मैं अगर मान लो मैं तुम्हारे टीचर हो गया इस वक्त, मैं तुमको बोलता हूँ, तुम्हारा दो जो भी नाम है दोस्त, मैं तुमको बोलता हूँ तुम ऑब्जर्वेशन किया करो, ऑब्जर्व किया करो लोगों को, आते जाते देखो लोग कैसे बात करते हैं। अपने घर में ही चार लोग हैं उनको देखना शुरू करो कि मेरे पिताजी कैसे बात करते हैं, मेरी माताजी कैसे रिएक्ट करती हैं, मेरे भाई बहनों का टेक क्या है गवर्नमेंट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, कोरोना वायरस जैसी बीमारी को लेकर। तो जब आप इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने लगेंगे ना, अपने लोगों को आसपास के ऑब्जर्व करने लगेंगे, तो आपके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स खुद चल के आने लगेंगे। और अगर तुम एक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें एज एन एक्टर वही जरूरत है। डायरेक्टर हमेशा जो भी तुम्हारा रहेगा या आएगा वो तुम्हें एक रास्ता बताएगा, और वहां के डायरेक्टर्स मैं जानता हूं, वो आपको सिर्फ, क्योंकि सबको फटाफट नाटक करना है, सिखाने वाले बहुत कम लोग और बहुत कम ग्रुप चल रहे हैं वहां, तो आपको बड़ा क्लैरिटी करके रखनी पड़ेगी कि भैया मुझे ये देखना है और ये सीखना और ऐसे समझना अपनी चीजों को। उस पर फोकस करते रहो, अपना खुद से उस प्रोसेस को बनाना शुरू करो कि मैं डेली ऑब्जर्व कर रहा हूं लोगों को, मैं एनालाइज कर रहा हूँ कैसे क्या होता है, कैसे लोग, क्योंकि जो लिखा हुआ वो वहीं से तो आया है ना, वो सब कुछ लिखा हुआ वहीं से आया है, उससे अलग बात तो कुछ होने वाली नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में ध्यान करें, और मौका नहीं कोई दे रहा है, अगर कोई नहीं आपको टीचर मिल रहा है तो आपको फिर दोस्त खुद ही उठाना पड़ेगा, वरना आजकल बहुत यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है भाई, बहुत कुछ अवेलेबल है। मैं बहुत नहीं भी देखता था तो मैं एक काम करता था, मैं अपने जैसा कि मैंने अभी जब अतुल भाई ने पूछा था नाटक को तैयार करने में क्या करते हो, तो मैं ना नाटक उठा लेता था, मैं नाटक उठाता था, मैं अपने साथ चार छह लोगों को इकट्ठा करता था, मैं बोलता था चलो नाटक करते,
तो हम लोग नाटक करना शुरू करते थे, हम पढ़ते थे, हम एक दूसरे को सुनते थे कि तू क्या कहता भाई, इसमें क्या होना चाहिए, मैं ऐसा कहता हूँ, अच्छा मैं ऐसा कहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, सबकी बात रखते थे, जो सब अप्रूव करते थे उसको अप्लाई कर देते थे। ऐसे ही करते करते हमने ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना लिया, नाटक होने लगे, हम लोगों ने कई नाटक कर लिए, अतुल भाई मिल गए और अस्मिता गौड़, उनसे गौड़ साहब से रापता रहा, अपने आलम साहब से रापता रहा, तो ऐसे बहुत सारे लोगों का काम देखा, इनको काम करते हुए देखा, लड़के लड़कियों को काम करते हुए देखा, तो आप समझ में आने लगता है आपको, अरे भैया ये होना है और ये नहीं होना है, बात खत्म। अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है टीचर वाला, वरना ढूंढो, ये भी एक ऑप्शन है मेरे दोस्त, गुरु ढूंढना भी पड़ता है। तो मेरे को नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को वो मिला जीवन का अनुभव, तो वो मेरा गुरु, मैंने उसको मान लिया, बाकी जिनको देखा उनको मान लिया, जिनमें से इरफान साहब थे, डेनियल डी लुइस है, मैकोहनी है ना, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बच्चन साहब है, ऋषि कपूर साहब थे, गोविंदा से बड़ा एक्टर है ही नहीं, कमाल का अभिनेता, अद्भुत अभिनेता है गोविंदा, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हमें चाहिए। तो मैंने इन सबको कुछ कुछ जी गुरु मान लिया, इनको कई कई चीजों पे, है ना, तो ढूंढना भी भाई गुरु, ऐसी कोई बात नहीं है। शिशिर रंजन ने सवाल पूछिए, आओ भाई, खुल के आओ, कोई टेंशन नहीं, पूछो आज जो भी पूछना है। सर आपने अरविंद सर का नाम लिया, अरविंद गौर सर का अस्मिता से, तो मैं उन्हीं के थिएटर ग्रुप से हूँ, 2 साल हो गए मुझे, तो मेरा सवाल बेसिकली ये था कि कई बार मतलब थोड़ा सा फिलोसफिकल हो जाते हैं हम लोग, एक्टर्स हैं, फिलोसफी को समझते हैं, तो एक्चुअली जैसे हम थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ आपके सामने, पता नहीं, तो ना ना भाई, मैं तेरे सामने हुई नहीं, मैं बहुत दूर हूँ, बॉम्बे में हूँ, नर्वस मत हो, खुल के पूछ। तो एक्चुअली होता क्या है, जब जैसे हमारी एक फिलोसफी है लाइफ की, हम ये मानते हैं, तो हम अपने आप में जैसे हम जैसे यूथ में थे, हम आज वैसे नहीं है, इवॉल्विंग है, हम हमेशा समय के साथ चेंज हो रहे हैं, लेकिन कॉलेज में दोस्तों के साथ अलग है, आज अलग है, आगे और बेहतर होने की कोशिश करेंगे, लेकिन और हमें नेचुरल रहने को भी कहा जाता है, एक्टिंग में एक्टर को एक नेचुरल होना चाहिए, जो वो है वो उसे रहना चाहिए, तो वो एक ऐसा लगता है कभी कभी दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है, कि हम पहले जैसे थे कि हम दोस्तों के साथ थोड़े नालायक टाइप के थे, कुछ भी बोल लेते थे, आज हमने सीखा कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बेहतर इंसान होना चाहिए, तो आज हम वो चीजें नहीं करते हैं, फिर और कुछ सीखेंगे तो आगे कुछ और आदतें अपनी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस हिसाब से हम बदल जाएंगे और हम शायद क्या नेचुरल नहीं रह जाएंगे, तो क्या वो हमारे ऊपर असर करेगा? नहीं। अच्छा ये मेरे दोस्त, इसका ये निजी जिंदगी का सवाल है, इसका अभिनय से क्या ताल्लुक तुम फिट करना चाह रहे हो, मैं वो समझने में थोड़ा सा कासिर हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ तुम मतलब, पूछना चाह रहे हो। हाँ बोलो। एक्टिंग से ऐसे कनेक्शन है कि मतलब एक्टर को नेचुरल रहना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, ये मैंने सीखा है, अरविंद सर भी हमेशा कहते हैं कि एक्टर को नेचुरल रहना चाहिए, तो क्योंकि हम चेंज हो रहे हैं, अपनी कुछ नेचुरल आदतों को बदल रहे हैं, तो हम नेचुरल नहीं रह पा रहे, तो क्या वो एक्टिंग हमारे इफेक्ट कर सकता है, या हमें इवॉल्व होते रहना चाहिए, अपनी आदतों को बदलते रहना चाहिए? आदतें कभी नहीं बदलती हैं, याद रखना, आदत कभी बदलती नहीं है, आदत के अंदर हेर फेर आता है, आप हेर फेर करते हो, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, आदतें रहती हैं भाई। नेचुरल होना क्या समझते हैं, उससे मैं थोड़ा सा आपको मुखातिब कर दूं। नेचुरल होना इज लाइक बीइंग यू, जो आप हैं जैसे आप हैं, और जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स हम चीजें सीखते हैं। कल जो मेरी धारणा थी चीजों को लेके, वो आज बदल गई है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा किरदार कर रहा हूं जो उस धारणा को मानता है, तो मैं वापस से अपने आप को उन्हीं सालों में रिकॉल करूंगा, है ना, तो मैं रिकॉल करूंगा, यार जब मैं नहीं मानता था इस धारणा को, तब मैं वैसा था, तब मैं कैसे बिहेव करता था, मुझे याद आएगा और मैं उसको पोर्ट्रे कर दूंगा, क्योंकि वो एक्टर का काम है। अगर मैं समझो कि किसी एक पंथ को नहीं मानता, या किसी एक धर्म को नहीं मानता, या किसी, मैं नास्तिक हूं, अब मुझे किसी आस्तिक का रोल करने को मिलेगा, तो मैं उसमें वो नहीं ढूंढूंगा कि मैं कैसे उसको कॉन्ट्राडिक्ट करूं, कि मैं तो नास्तिक हूं, मुझे आस्तिक का करना है, तो मैं उसमें ये नहीं ढूंढूंगा ये फिलॉसफी या ये रोल गलत है, मेरा काम है उसको अभिनय करके देना। तो मैं अगर नेचुरली, अगर मैं इस बात को मानता, अगर मैं आस्तिक होता, अगर मैं धर्म में बिलीव करता, तो
तो मैं क्या करता और जो कैरेक्टर बता रहा है वो क्या करता, उसका एक मिश्रण करके मैं एक एक कैरेक्टर को तैयार कर लेता। और नेचुरल लैंड रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वही है कि हम जो होते हैं, जो हमारे मायने होते हैं चीजों को लेके, और अगर हम इसको एक्टिंग से जोड़े तो जो कैरेक्टर की डिमांड होती है उसको जब हम फोर्सफुली प्रेजेंट करते हैं ना, जब धक्का देके करने की कोशिश करते हैं, एक तो वो ना सामने वाले जो आपका को एक्टर है उसको मिल पाती है और ना ही वो ऑडियंस तक पहुंचती है। तो जो बात रही धारणा बदलने की, वो बदलती रहेगी लेकिन उससे एक्टिंग पर कोई इफेक्ट आता नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नेचुरल होना भूल गया या मेरा नेचुरल नहीं हो सकता, अब जो मेरी मैं पहले जिससे सोचता था वो अब मैं नहीं हुआ, उसको बिलीव करता हूँ, उस बात को नहीं मानता हूँ, तो मेरे अभिनय में उससे कोई फर्क आएगा? इवॉल्व करते रहोगे, वो तो आएगा क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो आप लगातार। मैं कल मैंने जैसा मान लो महारथी का कर्ण किया था, मैं अब नहीं करूंगा क्योंकि अब मैंने और बीच में बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं स्टेज पर परफॉर्म करने जाऊंगा तो मैं नेचुरल नहीं रहूंगा, मैं कोई अननेचुरल सा कुछ कर दूंगा। नेचुरल तो मैं रहूंगा ही क्योंकि मैं परफॉर्म कर रहा हूं, वो एक परफॉर्मेंस का तरीका है। नेचुरल रहना, रियलिस्टिक रहना, एग्जैजरेट करना है ना, या उसके अंदर और कई फ्लेवर डालना, तो मेरी एक सोच बदलनी की बात है, वो अलग है। वो निरंतर हर पल हर क्षण हर साल दो साल बदलती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, होता रहता है वो। अब जो आप भी बोल रहे हो इवॉल्व होना, तो इवॉल्व होते हैं, उससे नेचुरल नहीं होने का तो कोई सवाल नहीं। ये बात और है कि हाँ कल मेरे को आज वो करने को, जैसा मैंने भी बताया कि मेरे को आज वो करने को कहा जा रहा है स्टेज पे जिसको मैं नहीं मानता था कल, तो वो मेरा एज एन एक्टर मेरा काम है, मुझे वो करना है तो मैं करके दिखाऊंगा उसको नेचुरली। मतलब उसको मैं उसको वही मैं मानूंगा, मैं जब उसको परफॉर्म करने जाऊंगा उसी बिलीफ के साथ करूंगा ताकि वो लोगों तक पहुंचे। आई होप मेरी बात तुमको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, तुम्हारा सवाल बड़ा दो बड़ी अलग चीजों का मिश्रण था तुम्हारा सवाल। अंकित दुबे आप बोलेंगे। अंकित दुबे आपका माइक हम अनम्यूट कर रहे हैं। अंकित दुबे पूछिए। हेलो, नमस्कार दादा। नमस्कार भैया, नमस्कार। मेरा दो छोटा छोटा सवाल है कि एक्टिंग के अलावा और कौन सी ऐसा क्राफ्ट है, कोई ऐसा आर्ट है जो आप करते हो, जैसे स्केचिंग है, राइटिंग, डांस, सिंगिंग, एनीथिंग? और दूसरा ये है कि आप जब कोई स्क्रिप्ट चुनते हैं तो क्या देखते हैं, क्योंकि हमने बमफार देखा है, गेम देखा, सात उचक्के देखा, एक तरकीब वो है 83 तभी आई नहीं है। वैसे बमफाड़ के लिए बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत जॉली और बहुत एंटरटेनिंग कैरेक्टर था, बहुत अच्छा लगा देखा। तो आप जब कोई स्क्रिप्ट चुनते हैं तो दिमाग में क्या रहता है आपके उसको चुनते वक्त, या क्या सोचते हैं कि इस तरह का कैरेक्टर मुझे करना है? पहला सवाल एक बार दोबारा बताना। हाँ, पहला सवाल यह है कि एक्टिंग के अलावा और कौन सा ऐसा क्राफ्ट है जो आप करते हैं? मैं बहुत सारे काम करने मुझे अच्छे लगते हैं। मैं नलायक आदमी हूँ, काहिल हूँ, और आप सबसे वो करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्लीज एक्टिंग के अलावा बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो जो आपके काम आएंगी। तो मैं दो चीजें बड़े मेरी फेवरेट जो है वो है सिंगिंग और राइटिंग। तो ये दो काम मैं निरंतर करता रहता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ, कुछ स्क्रिप्ट मैं लिखता रहता हूँ, नाटक पढ़ता रहता हूँ, तो उनके एडाप्टेशन के चक्कर में पड़ा रहता हूँ कि एडाप्टेशन कर दूं उनका, जो भी वेस्टर्न नाटक पढ़ता हूँ। और गाने का मुझे शौक है, तो मैं गाता हूँ घर में अपने, मेरे पास ये स्पीकर है, नॉट टू शो इट शो ऑफ, बट ये स्पीकर है, बड़ा प्यारा सा, मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तो मैं गाने बहुत सुनता हूँ, तरह तरह के, मैं जैज सुनता हूँ, मैं सिम्फनी लगा के सुन लूंगा, मैं आजकल बहुत कुछ अलग अलग कंट्री साइड म्यूजिक ये वो बहुत कुछ सुनता हूँ। हर तरह का म्यूजिक जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी इमेजिनेशन को और बूस्ट करती है। मतलब एज एन एक्टर वो मुझे एक ऐसी जर्नी पे ले जाती है या एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां से मैं और कुछ बहुत सीख सकता हूँ। रहा सवाल दूसरा सवाल था आपका स्क्रिप्ट, दूसरा सवाल क्या था? स्क्रिप्ट कैसे आप स्क्रिप्ट, हाँ। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट चुनना का जो वो है, क्या होता है कि मैंने अपने लिए कुछ चीजें तय करी है एज एन एक्टर कि मैं जब भी काम करूं और जो भी काम लेकर मैं दुनिया के सामने आऊंगा, मैं चाहता हूं कि दुनिया जब उसे देखे तो वो बोले वाह, दिल खुश कर दिया यार इसने, मैं ये सुनना चाहता हूं। लोग बोले जबरदस्त, कमाल है, मजा आ गया। अब इसके लिए मुझे जो भी स्क्रिप्ट मिलती है मैं उसमें देखता हूं कि अलग क्या है, वो मेरे पिछले कामों से रिपीट तो नहीं है, वो नया है, और उसमें चैलेंज क्या है। आजकल मैं चैलेंज ढूंढ रहा हूं, आजकल मैं बिल्कुल चैलेंज के चक्कर में पड़ा हुआ हूं, और
सीक्रेट गेम इत्तेफाक था मेरे पास आना, मेरी किस्मत थी, मुझे मिल गया, मैं चूज नहीं किया था, मुझे मिला। सोन चिरिया अगर जिसने देखी हो अभिषेक चौबे सर की, तो वो मैंने नहीं करनी थी लेकिन मैंने की क्योंकि वो रोल बड़ा कमाल था, और दैट टू आफ्टर बंटी, जिस तरह का बंटी कैरेक्टर उसके अगेंस्ट में जैसा रतन सिंह का कैरेक्टर वो बहुत अलग है, तो वो मैंने इसलिए चूज किया कि मैंने कहा ठीक है मैं अपने आप को ट्राई करता हूँ कि मैं कैसा लगूंगा और कैसा मजा आएगा। और वैसे ही ये था बम फाड़ का जाहिर, ये भी बड़ा जैसा आपने बोला जॉली कैरेक्टर है, रोमांटिक है, शातिर है, तो मुझे दिल में था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो नया हो ताकि लोग ये ना बोले अरे यार साले ये तो एक जैसा ही काम करता है, तो वो मुझे नहीं सुनना है। जब मेरी इनिंग्स खत्म हो मैं चाहता हूं कि लोगों के पास ये कहने को ना हो कि एक ही काम था, लोग बोले अबे ये भी था वो भी था वो भी था वो भी था वो भी बहुत अच्छा था वो भी, तो वो मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं जो भी चूज करता हूँ मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास नया क्या है ऑडियंस को देने के लिए, ये मेरा थॉट रहता है। गगन मिश्रा आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, गगन एंड फिर तरुण डैंग, लास्ट टू क्वेश्चंस, गगन मिश्रा पूछिए। नमस्ते सर, एक अनंत का ले लेना भाई, अनंत बेचारा बिल्कुल अच्छा। गगन तरुण अनंत, चलिए गगन पूछिए। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। नमस्ते सर, आप दोनों को नमस्ते सर। नमस्ते भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम। सर मेरे दो तीन सवाल है आपसे, जैसे आपने अभी बताया कि कंसंट्रेट करने के लिए मतलब जो भी कुछ आप कर रहे हैं तो उसमें एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है सर, वो बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, कंसंट्रेशन का ही मतलब एकाग्रता है मेरे दोस्त। हाँ जी, हाँ जी। और सर एक मैं सिंगिंग करता हूँ तो हमारे सर हमेशा बोलते हैं कि कोई भी आप गाना गा रहे हो तो उसकी आत्मा में घुस जाओ। सर वही फॉर्मूला क्या एक्टिंग में भी लागू होता है? उससे ज्यादा लागू होता है मेरे ख्याल में, किसी भी आर्ट फॉर्म में ना बड़ा जरूरी होता है कि आप उसको साधो जी, साधना बड़ी जरूरी है। और आपके म्यूजिक में साधना हो, कैसे होता है, आप एक राग जब गाते हैं जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो पहले वो राग अच्छा होता है, फिर निरंतर लगातार कई दिनों महीनों की प्रैक्टिस के बाद वो राग वो गाना पक्का हो जाता है ना जी। फिर वो राग आपको पक्का हो जाता है, फिर एक वक्त आता है जब आप उसको साध लेते हैं, तब आपको हारमोनियम की तबले की बीट की जरूरत नहीं पड़ती, आप वो राग ऐसे ही गा देंगे और वाह वाह हो जाएगा मामला, होता है जी। तो वो जो साधना है ना वो एक्टिंग में भी उतनी ही जरूरी है जी। और उसमें तरीके हैं लोगों के अलग अलग, कई लोग होते हैं वो जैसे अगर मान लो कोई कैरेक्टर मिला तो उसके डायलॉग्स को इतनी बार तैयार करते हैं या बोलते हैं या बात करते हैं कि वो उसे फिक्स कर लेते हैं, अब चाहे उनसे एक बार बुलवाओ या 50वीं बार बुलवाओ वो हटे हिलेंगे नहीं। और एनएसजी के शुरुआती कुछ एक्टर्स जिनसे मेरा सामना हुआ जैसे समीप सर है, तो मैं उनको देख के बड़ा आश्चर्यचकित रहता था, वो तैयारी रिहर्सल के वक्त इतना साध लेते थे डायलॉग्स को अपनी, मतलब वो आदमी स्टेज पे एक इंच इधर से उधर नहीं होता था और हर शो में इधर से उधर मतलब उतना ही रहता था, इंच फर्क नहीं आता था, वही ब्लॉकिंग, वही टाइमिंग, वही डायलॉग डिलीवरी। मेरे जैसा आदमी कुछ भी करता था, कहीं भी जाता था, क्योंकि वो मेरा तरीका है। तो मैं उनको देख के एक बात समझ गया, ये साधना है उसकी, उसने साध लिया, वही करते थे महेंद्र भाई और वही उस दौर के तमाम एक्टर्स जो उस बैच वगैरह आसपास से करते थे। तो साधना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक आप किसी चीज की गहराई में नहीं जाते हो आप उसमें से कुछ रस नहीं निकाल पाते हो, रस की उत्पत्ति नहीं कर पाते हो जी, बिल्कुल। तब तक वो ना फ्लैट होता है, मतलब मैंने एक लाइन पढ़ी, मेरा उसमें आत्मा गई नहीं, मैंने लाइन पढ़ी, मैंने ऐसी बोल दिया, याद करके बोल दी। अब अगर मैंने उसको समझा, उसको मैंने समझा, उसको मैंने जानने की कोशिश करी कि वाकई इस लाइन से ये कैरेक्टर कहना क्या चाहता है। डायलॉग्स है, बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं ना प्ले में, हमको ये समझना जरूरी है कि ये बात जो कही जा रही है वो क्यों कही जा रही है, क्यों कही, इसके पीछे का तात्पर्य क्या है, क्यों बोल रहा है और किससे बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है। तो जब हम इन चीजों का, इन सवालों का जब हम जवाब ले लेते हैं ना, तब जाकर वो सही सुर लगता है, अरे यार एग्जैक्टली ऐसे ही होना था, ऐसे ही बोले जाना था इस बात को, यार उसने वैसे बोला, वही यही सोच रहे थे हम, क्योंकि हमने उसको समझ लिया ना पढ़ पढ़ के, प्रैक्टिस करा, डायरेक्टर ने हमें बताया नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, हमने वो किया हो गया। अब जब उसको हम साध लेते हैं तो
तो जब वो बात स्टेज पे निकलती है तब उस पर तालियां भी बजती है, वही होता है क्योंकि ऑडियंस को पता लग जाता अरे यार सुर लगा हुआ भाई आज इसका जी। तो अगर साधा नहीं होगा सुर लगेगा नहीं तो आप आओगे, कभी कभी होता है ना सन्नाटा पड़ा होता है जिस पे तालियां आती है ताली नहीं आती, सन्नाटा पड़ा तो उस दिन वो सुर नहीं लगा होता। इसलिए कई नाटक कई बार ऐसा हो जाता है एक दिन पहले इतनी तालियां बजी इतना सब हुआ दूसरे दिन उसी सीन पे सन्नाटा, सोचो क्या करोगे आप। तो ये चीज है, साधना बड़ी जरूरी है। साधना से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सुबह उठ के वो भी कर सकते हो, मेडिटेशन अच्छी बात है, लेकिन साधना से मेरा मतलब है आपने जो आपको मिला है, जो आपका स्क्रिप्ट है, जो आपका प्ले है, जो आपका मूवी है, जो भी है उसको पढ़ो, समझो, समझो वो कहना क्या चाह रहा है। जब पढ़ते जाओगे समझ में आ जाएगा क्या कहना है इसको। बाकी डायरेक्टर है वो डायरेक्शन देगा, उसको वो कैसा चाहिए अल्टीमेट उसकी वो होगी, टेक उसका होगा। यस ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो तरुण डैंग आपका माइक ऑन है, पूछिए अपना सवाल। तरुण डैंग हाय जतिन भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मेरा सवाल एक्टिंग से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा पर्सनल है और मतलब है इसी से फील्ड से रिलेटेड। नहीं नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरे भाई शादी भी नहीं हुई है। हाँ। नहीं जब हम बिगिनिंग में होते हैं भाई बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती है। हाँ। तो जाते हैं और कोई रोल मिलता है तो उसके लिए हम बड़ा भावताव होता है। इस फील्ड में भी बिजनेस है ये भी। हाँ। पूछते हैं कि कितने हाँ। हमारे चीज में आपको 7,000 देंगे, आपको 10,000 देंगे, फिर कहते हैं यार मैं छोड़ दूंगा, नहीं नहीं यार मेरा ये रेट नहीं है, मैं थोड़ा ज्यादा मांगता हूँ। तो कहीं बताते छोड़ दूंगा किसी और को मिल जाएगा। हाँ। वो डिसाइड करना और वो पक्का करना कि हाँ यार ये मेरे लिए है, ये मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ठीक है। और क्योंकि इन द बिगनिंग ऑफ द योर करियर, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप पर तो आप सेटल हो गए तो आपको पता लगा आपका बिगनिंग में जो क्या उसके लिए हिदायत देना चाहेंगे। यार इसमें दो चीजें हैं, आपको पता नवाज भाई ने मंटो 1 रुपए में करी थी जबकि उनका रेट 4 करोड़ है, 3-4 करोड़ होगा। ये तो आपके ऊपर है मेरे दोस्त कि आप करना चाहते हो वो काम या नहीं करना चाहते हो, आपको उससे कुछ मिलेगा एज एन एक्टर या नहीं मिलेगा। कई कई चीजें ऐसी होती है, मुझे पता है मुझे एज एन एक्टर कुछ नहीं मिल रहा तो मैं कहूंगा मेरे को इतने रुपए दे दो मैं ले लूंगा। और कई चीजें ऐसी होती है मुझे पता है 83 मुझे पता है क्या फिल्म है, 83 दोबारा नहीं बनेगी लाइफ में, सेक्रेड गेम दोबारा नहीं होगा। सेक्रेड गेम का बता देता हूं आपको, मेरा जितना बड़ा रोल था जो भी था छोटा मोटा जो भी था उसके हिसाब से मुझे उतने पैसे नहीं मिले जितने दूसरे लोगों को मिले जिनके छोटे छोटे मुझसे भी छोटे रोल थे। उन्होंने पर डे मुझसे ज्यादा लिया था, मुझसे ज्यादा पैसे लिए थे। अब आता हूं तो 83 जैसी फिल्म दोबारा नहीं बनेगी और वो रोल करने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो डिपेंड करता है मेरे दोस्त आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी पैसा है, आपकी प्रायोरिटी अच्छा प्ले अच्छी फिल्म करना है, आपको अगर ये डर है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा चाहे इतने पैसे में, तो कर ले भाई क्यों घबरा रहा है, ले ले 2,000 रुपए जो मिल रहे हैं कर डाल काम को। ये मेरे दोस्त इनिशियल स्टेज पे क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। इनिशियल स्टेज पे आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ, मेरा 150 रुपए पर डे कमाता था मैं, मैं जूनियर आर्टिस्ट था अपने सबसे पहले जब मैंने शुरुआत करी थी अपने करियर की। मेरे भाई का एक दोस्त था जो फिल्म लाइन में था और दिल्ली में जब भी शूटिंग होती थी तो जो लोग आते थे शूट करने डायरेक्टर वगैरह वो यहाँ क्राउड लेते थे, तो वो मुझे जानता था और उसको पता था मुझे फिल्मों का बड़ा शौक है। तो वो मेरे को कहता था कि तेरे को 150 रुपए मिलेंगे, खाना मिलेगा, पीछे बस पासिंग देनी है हीरो हीरोइन के। तो मेरा लालच क्या था, मेरा मैं तो चाहता था कि मैं मेरी पहली फिल्म ऋतिक रोशन जैसी हो, कहो ना प्यार है टाइप, मैं तो हीरो आना चाहता था, मेरे को कोई लॉन्च करे मैं तो ये चाहता था। लेकिन मैंने क्यों किया काम, क्योंकि मैं ना मेरे बाप ना मेरे दादा, मैं इस लाइन में हूं नहीं, तो मैं इस लाइन में हूं नहीं। अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मैं काम सीख लूं बस, उसका हिस्सा हो जाऊं काम का। तो उसके चक्कर में मुझे लगा कि यार 150 रुपए है ना कोई दिक्कत नहीं, पता तो लगेगा शाहिद कपूर की हाइट कितनी है, करीना कपूर वाकई गोरी है कि नहीं है, आमिर खान क्या करते हैं। तो वहां पता लगा कि आमिर खान जी के सेट पे गया, रंग दे बसंती शूट हो रही थी, मेरा सुबह सुबह का कॉल टाइम था 7 बजे का और आमिर खान साहब किले के बाहर, ये अपना कौन सा अतुल भाई ये है ना फिरोशा कोटला
तोशा कोटला किले के बाहर सुबह सुबह आमिर खान साहब 7 बजे बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, कॉफी का मग हाथ में है। तो मैंने क्या गेन किया? मैंने गेन करा है, इतना बड़ा एक्टर है भाई, 7 बजे यहाँ मौजूद है सेट पे जब हम सबके आने का टाइम है, यहाँ बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। उसका डेडिकेशन देख के मैं वो हो गया था। मैंने कहा अरे यार अगर ये आदमी स्टार नहीं होगा तो कौन होगा? और उसमें भी दो चीजें हैं भाई, दिखावा और वाकई उस चीज को मानना। तो दिखावा करना है वो अलग है, आप सारा दिन मंडी हाउस में किताबें लेके घूमते रहो उससे कुछ नहीं होगा, इतना पता है आपको उससे होगा। तो ये आपको तय करना है मेरे भाई कि आपको किस चीज से क्या फायदा हो रहा है। आपको एक प्रोजेक्ट मिल रहा है जिससे आपका आपको चाहे एक लाइन बोलनी है लेकिन कुछ सीखने को मिल रहा है तो कर लो। रेट वेट तो कौन है वो तय करने वाले, तुम रेट तो तय होता रहेगा यार। रेट के लिए पहले बन तो लो, बुरा मत मानना मेरे दोस्त, पहले रेट के लायक हो तो लो, तब तो रेट बोल पाओगे कि मेरा ये रेट है। और मुझे बड़ा बुरा लगता था जब कोई मुझे कहता था अपना रेट बता दीजिए, तो मुझे ये लगता था कि मैं कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ मेरे दोस्त, आई एम एन एक्टर और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे वो दे पाओ, इसलिए तुमको जो होगा जो मुझे होगा वो हम कर लेंगे, मुझे एक्टिंग करने दे। मैं बहुत पागल होता था, आज भी, आज इसलिए मोल भाव तोल भाव करना पड़ता है क्योंकि लोग गलत फायदा ना उठा जाएं। सेट पे जाके बड़ा धोखा होता, पता चलता अबे यार वो इतना कम है और इतना पैसा ले रहा है, वो इतना पैसा ले रहा है, आपको कुछ भी नहीं मिला, आपने तो इसलिए कर लिया, चल कोई नहीं करनी है भाई, करते हैं। तो मैंने इनिशियली ये समझ लिया था कि रेट वेट गया तेल लगाने भाई, मैं करूंगा काम, मेरे को करनी है फिल्म। तो मैंने बहुत सारी फिल्में करी भाई, 1000 रुपए पर डे में करी, 3300 रुपए पर डे में करी, फिर 10,000 भी मिले। तो आपके ऊपर आपकी प्रायोरिटी क्या है, प्लीज बुरा ना मानिएगा दोस्त। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मिशेल सिंह बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मिशेल सिंह क्विकली पूछिए। मिशेल सिंह पूछ लो, अनंत अटक गया मेरा। अरे अनंत फेमस हो गया। अनंत जी किसी को भी ले लो सर, किसी को भी, मैं हो, मेरे को 10 बजे तक बात करा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी मिशेल। हेलो जतिन सर। जी जी भाई साहब बताइए। सर आई हैव दिस क्वेश्चन, व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर द रोल बंटी इन सेक्रेट गेम्स, व्हाट वेंट बिहाइंड ऑल द प्रिपरेशंस, व्हेन यू फर्स्ट सॉ द स्क्रिप्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू योर माइंड कि हां कि बंटी ऐसा होगा, कैसा करेगा, ओके बंटी ऐसा बिहेव करेगा, वो ऐसा बोलेगा? ऑब्वियसली स्क्रिप्ट में होगा ही सर, स्क्रिप्ट में तो आप देख के आपको समझ गए हो कि हां ये ऐसा बंदा है, ये कैरेक्टर है। नाउ आई यस यस सर, बट व्हाट वाज योर टेक? आई टेल यू वन वेरी I'll tell you very interesting thing. So this is also something which actor goes through. So to just, you know, clearing the air out, there was no script at all given to me of Sacred Game. There was no script. Whoa. Nothing was given to anyone. So every day in the morning, we used to go there and Anurag sir was there and they used to give us the script, handwritten script. Or sometimes it used to be that there was a script, but it was changed on the spot by Anurag sir. So then we used to receive the handwritten script by him. So when it comes to preparation, I had only four things, four pointers, brief from Anurag sir. First was that he's very, outspoken. He's very foul mouth, abuses a lot. And second is he's very ruthless. Third, he is like, you know, very bad about his religion. He thinks that only his religion is up above all and he doesn't care about anybody else. The fourth thing was that he may respect you, he may obey you to someone who is senior or maybe higher in the status, but somewhere down the line in his heart, He has this feeling ke saale mera waqt aane de tujhe bataunga. So okay. Which we see when Nawaz bhai ke saath ek scene hota hai. To khair, to ye mere paas char cheeze thi jo Anurag sir ne mujhe banayi thi, uske alawa kuch nahi bataya tha na koi script thi. So every day in the morning I used to go there and jab mere ye observation, jab ye kaam shuru hua, jab mujhe character banana tha, to in char pointers ke behalf pe, I still remember I used to, you know, hang outside my window and used to watch Bombay or maybe particularly my area from my window and used to follow people jo wahan pe roz mujhe dikhte the, jo Marathi bolne wale log the, main unko dekhta tha. Ek budda baitha rehta tha mere ghar ke bilkul samne. I used to watch him a lot, how
irritated he is, how he feels, how he feels that disgust around him, ke saale sab bakwas log hai mere aage peeche, main bada mahan hu. I used to go to Versova Beach, not Versova Beach, but Versova, ye gaon jo hai idhar, peeche yahan se dikh jayega aapko. Ye main yahan masjid hai saamne aur udhar gaon hai. To gaon mein jata tha, गांव में मैं यंग लड़कों को बहुत ऑब्जर्व करता था और बूढ़ों को, तो मैं देखता था ये कैसे बात करते हैं आपस में, ये कैसे बोलते हैं, किस बात पे इरिटेट होते हैं, इनका वो टोन क्या है, ये क्या अभी बॉस हो गया ना, अभी बताऊंगा ना तेरे को, चल इधर से निकलना, चल. तो यू नो वो मेरे को सुनना था, वो मेरे को इतना सुनना था ताकि जब मैं बोलूं तो वो वैसे ही निकले, तभी वो ऑथेंटिक लगेगा. और फिर मैं ऑन सेट जाता था तो जो हिंदी के डायलॉग होते थे मैं वहां पर फटाफट वो करवा लेता था, उनको ट्रांसलेट करा लेता मराठी मेकअप दादाओं से या स्पॉट बॉय लोगों से, तो मुझे बता देते थे. तो कई बार ऐसा होता था क्योंकि स्क्रिप्ट हिंदी में आती थी, मगर मुझे अपने कैरेक्टर को ऑथेंटिसिटी देनी थी. मुझे जब बताया कि वो मराठी है तो मैंने सोचा चैलेंज लिया कि मैं मराठी बोलूंगा और मैं दिखाऊंगा कि मराठी ही लगे आप. और वो बस उस तरह से वो सारी प्रिपरेशन गई, वो बॉडी लैंग्वेज, वो बात करने का तरीका, वो अक्कड़, वो सब. और मूर्ख बहुत सारे हिंदू समाज में हो, मुसलमान समाज में हो, सिखों में कहीं भी हो, वो जो जो इस तरह की बातें करते हैं, सिखों में तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, हिंदू मुसलमानों में बहुत ज्यादा होते हैं, वो जो निरंतर यही बोलते रहते हैं हमारा धर्म हमारा धर्म. कई देखे होंगे यार, हमने बहुत सारे बड़े सारे लोग हैं जिन जो दूसरे लोग धर्मों को बुरा बोलते रहेंगे और वो सब करते रहते, तो वो बड़े सारे लोग मेरे वो थे, रेफरेंस थे बंटी के लिए, क्योंकि बंटी भी भय करता रहता था ऐसे ही, मेरा धर्म मैं. तो मैंने बहुत सारे लोगों से उठाया वो उनके तरीकों से, जो बोलते थे तेरे को आके काट दूंगा, तेरे को आके मार दूंगा, तेरे गोली मार दूंगा, तो खाली ऐसे मोबाइल पे ही करते थे, जीवन में कभी कुछ नहीं किया उन्होंने, तो वो लोग मेरे रेफरेंस थे. अनंत, अनंत कहां है? अनंत, अनंत हाय सर, हाय अतुल सर, हाय जतिन सर, नमस्कार जी, नमस्कार. आजा अनंत, आजा भाई, आजा. सर मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट मुझे पूछना है, क्योंकि फिर तू फिर रहने दे, फिर मत बोल, सिंपल है, तूने बड़ी देर लगाई, फिर तू पूछ भाई. जस्ट जोकिंग, तूने पंखा भी बंद किया होगा. मैं 19th में कोलकाता से ग्रेजुएट किया हूं और मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा हूं, और मैंने साथ में ही FTTI का फॉर्म फिलअप कर दिया, एंट्रेंस एग्जाम. FTTI नहीं बेटे, गलत जगह चले गए तू, FTII. सर 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 मेरे सर पहले मेरी बात सुन लो. तो मैंने उसका एंट्रेंस एग्जाम दे दिया अभी, और अरे सर दे दिया, तू इंस्टीट्यूट का नाम गलत ले रहा है, ये बता रहा हूँ तुझे. सर FTII फिल्म टेलीविजन इंडिया, तूने कर दिया FTTI. चल बता. सॉरी. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, मैं किसी थिएटर से सीखूं या फिर किसी कॉलेज से मैं सीखूं, इंस्टीट्यूट से सीखूं मैं, ये तो आपके ऊपर है, आपको कहाँ पे पैसे कम मिल रहे हैं, कौन फ्री में सिखा रहा है, कहाँ पैसे ज्यादा लग रहे हैं. हालांकि आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वैसे तो मैं होता हूं, मैंने सब करा है, तो मैं तो चाहता हूं कि आप टारगेट पहले क्रिएट अपना वो क्लियर करो, मेरे को एक साल देना है, मुझे दो साल देने हैं, या मैं दूंगा जितना भी टाइम लगे, मैं सीखने के इरादे से आया हूं, या मुझे दो कैप्सूल कोर्स करना है, दो दिन एक्टिंग करूं, दो महीने बाद नाटक करूं और बॉम्बे चला जाऊं, तो पहले वो क्लियर कर लो मुझे क्या करना है. तो उसके हिसाब से डॉक्टर अलग अलग है इन सब हॉस्पिटलों के. तो अगर आपको अच्छा काम करना है तो आप कॉलेज में अगर पढ़ रहे हो तो वहां देखो. आप कॉलेज में पढ़ते हो ना? आपने पढ़ लिया, खत्म हो गया कॉलेज? मैंने पढ़ लिया, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ. बहुत बढ़िया, मुझे जॉब किए हुए. तो अब तुम अगर FTI के लिए ट्राई करना चाहते हो, FTI के लिए ट्राई करो, उसके लिए एग्जाम दो, वहां पे तैयारी करो. अगर नहीं होता है तो मंडी हाउस है, वहां पे अतुल भाई का ग्रुप है, विकास का है, हमारा है, अस्मिता का है, और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जो गिनती के 4-5 ही ग्रुप है, ज्यादा बड़ा खेल है नहीं. तो इन लोगों के साथ जाके आप जुड़ सकते हो. इनको अपना वक्त दो, 2 महीने 3 महीने का मत सोच के आओ, साल भर दो. क्योंकि 1-2 महीने वो पौधा होता है ना, गमले में डालते हैं तो एक दिन में वो झाड़ नहीं बनता है, उगता है धीरे धीरे, उसमें खाद डलती है, पानी डलता है, धूप लगती है, तभी होता है ना. यस सर. तो वैसे ही है. तो आप अपना टाइम दो, आप चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, श्रीराम सेंटर में चले जाओ, वहां 2 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, 5 से 8 लगातार, और एक वो भी है जो जिसमें 2 दिन होता है, तो वहां पे देखो. मगर मुझे पता नहीं अभी कैसा काम हो रहा है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ. अतुल भाई का ग्रुप है, आप ग्रुप ज्वाइन करो. तो ग्रुप से क्या होता है, आपको एक तो
क्योंकि ये कलेक्टिव आर्ट है, पहले 4-6 महीने थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगेंगे, वो ईमानदारी से मट्ठी और चाय पिलाने का काम होता है, मैंने भी किया है, बहुतों से करवाया भी है, उनसे सेट भी उठवाए, खुद भी उठाया है, फ्लैक्स लगवाए, सब कुछ करा है, तो वो सब काम हमने करे हैं, आपको भी करना पड़ेगा। और वो जाया नहीं जाते हैं अतुल भाई, वो जाया नहीं जाते हैं, बिल्कुल नहीं, वो इतना काम आता है ना, क्योंकि आपकी आत्मा जो है ना, आपका जिस्म, आत्मा, खून, उसके साथ ऐसे चिपक जाते हैं कि फिर आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है। और जब आप परफॉर्म करने भी जाते हैं ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है, वो आग रहती है कि आपने इतने दिनों में इतनी मेहनत करी है जिसका रिजल्ट आप देने जा रहे हो। तो आप प्लीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करें, कोई ग्रुप ज्वाइन करें, अगर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना हो, कोई भी तुम्हारा साथ ना दे, एक किताब उठा लो, आंटी श्रीराम सेंटर के बाहर किताब लगा के बैठती है, नाटकों की किताब उठा लो, कहानियों की किताब उठा लो, अपने जैसे 4 दीवाने 5 दीवाने रोज वहां पे तुम्हें मिल जाएंगे मंडी हाउस में, उनको घेरो और काम शुरू कर दो, ये होगा भाई। ग्रेट, थैंक यू सर, ग्रेट भाई। सवाल तो बहुत सारे हैं, पर आई थिंक अब हमको इसको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, बिकॉज फिर ये वीडियो अपलोड नहीं होगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोड नहीं। रोको रोको मत, मैं एक चीज आप सबको कहना चाहता हूँ अतुल भाई के लिए, मैं किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर या पर्टिकुलर एक उस पर बात नहीं करूंगा, इरादे अगर मजबूत होंगे ना, अगर मेरा लक्ष्य क्लियर होगा, अगर मैं अर्जुन हूं, क्योंकि हम सब अर्जुन हैं, अर्जुन भी है, कर्ण भी है, कर्ण ज्यादा है, वैसे अर्जुन होना है हमें, लेकिन कर्ण का भी, अर्जुन का क्योंकि फेमस हो गया क्योंकि उसने मार के दिखा दिया था, उसने मछली भी के आंख में भी मार दिया था, चिड़िया की में भी मार दिया था, कर्ण मार सकता था और कर्ण ने भी मारा था, कर्ण ने बल्कि एक चिड़िया की दोनों आंखों में मारा था जब उसने अपनी परीक्षा दी थी। तो खैर, तो मेरा कहने का मतलब, अगर आप अर्जुन हो, आपका लक्ष्य आपको क्लियर है ना, तो कोई भी रास्ता छोटा बड़ा नहीं है। वही अतुल सत्य कौशिक है जिनको मैंने अपने सामने देखा हुआ है, जिन्होंने अपना सफर शुरू किया था स्कूटी से, एक्टिवा होती थी इनके पास, एक्टिवा से शुरू किया था, गाड़ी करी, बॉम्बे में आज घर है, सब कुछ काम कर रहे हैं, और पागलपन था, सीए थे भाई आप? हाँ जी बिल्कुल, सीए लॉ सब किया, अभी भी है, ये क्या, सीए लॉ सब किया, लेकिन वही था जुनून, जुनून था कि मुझे करना है, मुझे एक्टिंग में करना है, मुझे ग्रुप बनाना है, और इनको देखा देखी कई लोगों ने बनाया, हमने बनाया, विकास और मैं खाली, कभी ग्रुप का नाम भी नहीं था, कभी सोचा नहीं था ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना लिया, हम दोनों साथ में ग्रो किए, और मतलब होता रहा। तो अतुल सत्य कौशिक जैसा एक बहुत बड़ा एग्जांपल, ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो इन्होंने 2 शब्द इनकी तारीफ में बोलने, मैं वो ना करता हूँ, ना मेरी आदत है, ना वो बोलता हूँ जो हकीकत है। ये आदमी, मैं और विकास बहुत कभी बात करते हैं, ये आदमी इतने बड़े सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, मुझ जैसों के लिए इंस्पिरेशन है। क्या बात है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपके मन में करने की भावना होनी चाहिए, रास्ता खुद ब खुद बनेगा, आप खुद ब खुद मानोगे। किसी ने नहीं सोचा था कि सड़क पर बैठने वाला एक लड़का लंदन चला जाएगा, फिल्म में काम करेगा, जो भी करेगा, तो मैंने नहीं सोचा था या मेरे को नहीं पता था कि इतना सब हो जाएगा, लेकिन हो गया। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ शायद उस पागलपन को अपने अंदर रखा, और अपने आप हो रहा है जो हो रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, ये सारा करिश्मा वो ऊपर वाला करवाता है, मुझसे वो भगवान कराता है, मेरे कुछ बस की नहीं है ना मैं कर पाता हूँ। मेरी माँ, मेरे पिता का आशीर्वाद है, मेरे भाई है उनका वो है, और आप जैसे चाहने वाले हैं जो निरंतर देखना चाहते हैं, और मैं करता जा रहा हूँ, वैसे ही अतुल भाई के साथ है। तो हमने तो इनको अपने इंस्पिरेशन का एक सोर्स माना, इन जैसों लोगों को जिन्होंने चीजों को करने की ठान ली, करनी है और होगी, तो मेरा साथ उन जैसे लोगों के साथ रहा। और बिल्कुल अतुल भाई, एनी टाइम फॉर यू जतिन भाई, आप आगे बढ़े, अच्छा अच्छा काम करते रहे, बहुत से लोग आपके पीछे हैं, बहुत से लोग आपको देख के इंस्पायर होते हैं, हमारे ग्रुप में हमेशा आपकी बातें होती है। हाँ जतिन भाई, कुछ कह रहे हो आप? अब मेरी, और मैं एक चीज आपको ये बता दूं, ये कतई मत समझना, ये मेरी जीत है, मैंने कभी भी इसको अपनी जीत नहीं माना है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो कुछ भी हूँ, ये मेरा नहीं है, ये पूरे मंडी हाउस का है, उस एक एक शख्स का है जो उस जगह, उस पत्थर पे बैठा है, उस पेड़ को बिलोंग करता है, उस रास्ते को बिलोंग करता है, मुझसे पहले जो थे, मेरे बाद जो आएंगे, जो मेरे साथ के हैं, ये हमारी जीत है, हम सब की।
ये मेरी जीत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्लियर कर दूं, यही स्पीच मेरी आज है, यही जब मैं ऑस्कर लेके आऊंगा तो भी होगी कि ये मेरी जीत नहीं है, ये हमारी सबकी जीत है, मेरा कोई वो नहीं है, ये हमारी जीत है, ये आपका है जो भी है, ये एक मैं छोटा सा आपको दिखाता हूँ अतुल भाई, जिस दिन मिला था ये सेक्रेट गेम के लिए मिला था फाइनली एक अवार्ड, और ये जब लेकर आया था तो मुझे ये मैंने बिल्कुल मेंशन किया था, मैंने कहा ये मेरा नहीं है, दिस बिलोंग्स टू द एंटायर मंडी हाउस फटर्निटी, एवरी ग्रुप वर्किंग देयर, एवरी ड्रीमर, हर एक वो जो उस ख्वाब के साथ आता है कुछ करने के लिए, ये उसका है, और मेरा जितना भी काम है वो सब उसको समर्पित है, उस जगह को और आप सभी लोगों को, इस थॉट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जहां बैठे हैं प्लीज ताली बजाएंगे जतिन भाई के लिए, थॉट रखना इस मुकाम पे आके, एंड जतिन भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुतों को इंस्पायर कर रहे हैं, जहां भी हैं अच्छा काम कर रहे हैं और हमको इंस्पायर करते रहे, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बनानी है, ऑस्कर लेकर आना है, हमारी दुआएं भी साथ हैं, हम भी साथ हैं, और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हम इनफैक्ट बहुत जल्दी अतुल भाई को अपने साथ घसीटने भी वाले, एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है जो विकास भाई का फोन आया था मेरे पास, हम एक फिल्म करने वाले हैं जिसमें अतुल भाई भी साथ में हमारे, विकास भाई का फोन आया था, तो उसके लिए भी शुभकामनाएं, अच्छा करेंगे, लॉकडाउन खुलते ही आपसे मिलते हैं जतिन भाई, अपना ध्यान, लव यू अतुल भाई, टेक केयर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जतिन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू जतिन भाई, थैंक यू बाय, लतिका बिल्कुल मेरे सामने, मुझे बहुत देर से दिख रही है, हाँ लतिका बहुत रुला दिए जतिन, आपने तीन चार बार मुझे रोना आ गया, बस बंद करो, अरे चलो एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ जाते जाते, ये इरफान साहब की उसमें ये लगाया है, अच्छा क्या बात है, क्या बात, क्या बात है भाई? उनका मैं बहुत माफी चाहता हूँ, बहुत बोलते हुए भी बहुत वैसे वो होता है, उनका जिस दिन निधन हुआ था तो उस दिन बस ये एक पौधा लगा दिया था उनके नाम का, सल्यूट टू इरफान खान, सल्यूट टू इरफान खान, ऋषि कपूर साहब उस तरीके लोगों को जिन्होंने हमको सपने दे दिए कि हम देख सकते हैं सपना और हम जीत सकते हैं, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू जतिन भाई, थैंक यू गॉड।